हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 12 जो कि हम पढ़ रहे थे फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3। ओके, और इसके पहले आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो विश्वास करो आपको ये चैप्टर की ये जो वीडियो लेक्चर है जिसके हम बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन के हम बारे में बात करेंगे, कि आपको एक जरा सा नहीं आने वाला समझ में। तो सबसे पहले आप जाकर के जितने भी इसके पिछले के वीडियोज़ हैं, स्पेशली जो ईएमएफ और सेल ईएमएफ ऑफ सेल वो जो वीडियो है, आप जाकर के उसको पहले देखो। ठीक है, देखो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ सेल। आपके जो भी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर का, आपके इस ये जो आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्लस बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। देखो कन्फ्यूजिंग क्यों है, कन्फ्यूजिंग के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ईजी है। रीज़न कि आपको अगर फॉर्मूले की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये चैप्टर आपको, ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन लगेगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि ईएमएफ ऑफ सेल से लेकर के अब तक के जितने वीडियो में हमने जो भी फॉर्मूला अगर हमने डिस्कस किया है, अगर वो सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो सिंपल होगा। क्लियर है मेरी बात? तो समझने का मतलब, कहने का मतलब क्या है, इतनी सारी बातों को मेरे बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देखो और आप अपने सारे फॉर्मूले पहले रिवाइज कर लो। क्लियर है? देखो हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली हम इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास सेल है और हमने इसके पहले पढ़ा था कि किस तरीके से हम सेल को पैरेलली अरेंज करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो हमें वहां से जो जो हमें ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ जो निकल करके आता था वो क्या होता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज, इन केस ऑफ पैरेलल हमें क्या मिलता था, ये आपको चीज़ें पता है। जस्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। चलो अगर ये बातें पता है तो थोड़ा सा देखो, अब उन्हीं सारे पिछले कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हमें इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने से आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो फर्स्ट हम जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम वो पहले सीरीज वाले क्वेश्चन देखेंगे। सीरीज वाले क्यों? देखो थोड़ी सी अगर हम बात करें, सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम एक आपको पिछले टॉपिक का, पिछले टॉपिक का अगर हम आपको एक इम्पॉर्टेंट अगर हम फॉर्मूला अगर आपको हम बताना चाहें, तो आपने कहा था कि सर अगर आपके पास अगर कोई सेल होती है, बात ध्यान से समझ लेना, अगर आपके पास अगर कोई सेल होती है तो आपने वहां से एक करंट का फॉर्मूला निकाला था। क्या निकाला था? आपने कहा था आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन जो भी आपकी रेजिस्टेंस होती थी, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आप कहते थे। मान लो आपने कहा सेल से, अगर आप सेल से, याद रखना, याद क्या रखना, ये तो आपको पता था कि अगर आप सेल से किसी आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर आप ऐड कर देते थे, भाई देखो ये सेल है, इस सेल की तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ही, तो इस केस में आप जब कहते थे कि सर आई इज इक्वल टू, अब इस केस में मेरा क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर कहते थे, ये कहते थे ना, ये फॉर्मूला इसमें हर जगह यूज होगा, पहली चीज। अच्छा देखो, फिर आपने कुछ बातें और मेरी समझो, आप ध्यान से पहले समझ लो वरना ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगेगा, और अगर आपने समझ लिया तो आप हंसते हंसते इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को लगा लोगे। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आप इसके सारे क्वेश्चन लगा लोगे, बट मेरी पहले कुछ बात समझो। फिर आपने इसके पहले जो पढ़ा था तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने जो कॉम्बिनेशन, आपने जो सेल पढ़ा था, आपने जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल पढ़ा था, तो उसमें हमने ये देखा था सर कि उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ईएमएफ ले रहे हैं। मतलब अगर मैंने तीन सेल अगर लिया था तो उन तीन सेल्स की जो ईएमएफ थी वो डिफरेंट होती थी, बात समझना, उन तीन सेल्स की जो ईएमएफ है वो डिफरेंट होती थी। तो उस केस में आप जो ईएमएफ निकालते थे उन सभी को ऐड करते थे। अगर हमारा कोई बैटरी अगर जस्ट रिवर्स ऑर्डर में ऐड होता था तो हम उसको माइनस कर देते थे, ये बातें याद है। अच्छा रेजिस्टेंस पर क्या होता था, रेजिस्टेंस पर कोई भी ईएमएफ मतलब रिवर्स बैटरी के रिवर्स करने पर, बैटरी को रिवर्स करने पर रेजिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। भाई रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, उसको चाहे यहाँ लगाओ, उसको चाहे यहाँ लगाओ, हर जगह सर्किट में वो इफेक्ट तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो इन तीनों सेल की रेजिस्टेंस पर, इस रिवर्स वाले सेल मतलब सेल को रिवर्स करके आप अगर लगाओगे तो उसके रेजिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने बात करी थी पैरेलल वाले में, तो पैरेलल वाले में हमने कहा क्या, मान लो कि अगर मेरे पास अगर कोई दो सेल अगर होते थे तो हमने कहा था कि सर हमारा जो ई इक्विवेलेंट होगा वो क्या था, याद करो क्या था आपके पास, आपने कहा था सर मेरे पास ये था, दैट इज क्या था एक मिनट, E1 R2 ओके, E1 R2 प्लस जो भी कह लो E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारा क्या था,
इफ सेल आर इन पैरेलल, है ना, पैरेलल में थे तो हमने ये बात कर दी। और ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, उन सेल्स की जो EMF है वो डिफरेंट है। देखो, इवन इस कॉन्सेप्ट का हमारे आपके क्वेश्चन में कहीं भी यूज देखने को नहीं, मतलब सॉरी, आपका इसका फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो भी फॉर्मूला आएगा वो इसी के बेसिस पर रहेगा। मेरी बात समझना, मेरी बात फिर समझना, ये जो फॉर्मूला हम जो भी क्वेश्चन लगाएंगे वो सारे के सारे इसी के बेसिस पर रहेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात पहले आपको समझ में आ रही है, ये चीज़ें पहले आप इंश्योर कर लो, ये चीज़ आप इंश्योर कर लो, ठीक है। और आपने ये भी कहा था कि अगर, देखो सिंपल सी बात है, मान लो अगर आप बहुत सारे, अगर आप सेल लगा देते हो, ठीक है ना, बहुत सारे सेल लगा दिए और आपने कहा कि कोई भी, मैंने बाहर का एक एक्सटर्नल कोई भी रेजिस्टेंस लगा दिया, तो आपने बहुत सारे सेल लगाए तो उन सेल की जो भी रेजिस्टेंस, आप उन सेल का क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे ना। अब आप उस सेल के रेजिस्टेंस को पूरे के पूरे, आपने जो भी, मान लो आपने बहुत सारे सेल लगाए, उन सेल की रेजिस्टेंस को और इस सेल को आप, ये सॉरी ये सेल नहीं है, ये जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, आप उसको कैसे ऐड करोगे, आप उसको सीरीज में ऐड करोगे, दैट इज आपने ये देखा था, ठीक है ना। हम अगर किसी भी सेल की अगर बात करते हैं, देखो अगर वो सेल आपके चाहे पैरेलल ही क्यों ना अटैच्ड हो, है ना, तो आप उन सभी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। देन एक्सटर्नल जो भी आपका रेजिस्टेंस है, अगर एक रेजिस्टेंस है, तो उन सारे आपके जो भी इंटरनल सेल का जो भी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आया है, आप उन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप एक्सटर्नल सेल के साथ सीरीज में ऐड करोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। देखो इतनी बात पहले आप इंश्योर करते चलो, देन अभी हम केवल क्या हम जो अभी क्वेश्चन करने वाले हैं वो देखो, हमारी जो EMF होगी वो मे बी डिफरेंट हो सकती है, वो मे बी सेम हो सकती है, बट अभी अगर डिफरेंट है या सेम है तो अभी हम केवल इसके सीरीज वाले क्वेश्चन को देखेंगे। मेरी बात ध्यान समझना, अभी हम इसके सीरीज वाले क्वेश्चन को देखेंगे, अभी हम इसके पैरेलल वाले क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। रीजन अभी आपको समझ में आएगा, हम बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट इसके पहले आपने अगर वीडियोज को नहीं देखा पिछली बारी वीडियोज को, तो आप जाकर के देखो, वरना ये टॉपिक आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। स्टार्ट करते हैं बच्चे, चलो पेन और कॉपी निकाल लो आप लोग, और अगर मैंने बहुत फास्ट बोला है तो आप उसको स्लो करके सुनो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, अगर आपको समझ में आ गया देन आप मेरे साथ बढ़ो आगे। देखो बच्चे, क्वेश्चन आप चाहे यहाँ से लिख लो या फिर आपको PDF में, जस्ट इसके बाद आपको PDF एक दिन बाद नहीं मिलेगा, जस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, या तो आप यहाँ से लिख लो या फिर आप अपने PDF को डाउनलोड कर लो, वहां से आप देख लेना और सारे के सारे क्वेश्चन, आपको सारे के सारे क्वेश्चन लगाने। देखो समझो, अगर आपको इस क्वेश्चन को देख करके अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बच्चे, यकीन करो मेरा, आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है ना, बस आप मेरे साथ चलो। और अगर आपने फॉर्मूले को अगर देखो पढ़ा है ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम फिर से कह रहे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को आप यहीं पर छोड़ो और जाओ पहले पिछले वाले फॉर्मूले को आप जाकर के पढ़ो। देखो सबसे पहले देखो समझते हैं क्या कह रहा है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको सर समझ में नहीं आया, चलो बने रहो मैं आप मेरे साथ। देखो कहते हैं कि अ सेल ऑफ EMF, क्या दिया गया, एक सेल दिया गया और उसकी क्या दे दी गई, EMF दी गई है। दैट इज आपने कहा सर EMF इज इक्वल टू कितना दे दिया गया है, 1.1 वोल्ट दे दिया गया है। एंड उसका रेजिस्टेंस यानी कि जो R है, ये बेसिकली एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ था इंटरनल रेजिस्टेंस, हमने केवल R लिख लिया, इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 0.5 ओम, ठीक है। ये भाई एक सेल है, समझ रहे हो आप, इतना तो बात आपको समझ में आ रही है। चलो फिर कहता है कि अनदर सेल ऑफ सेम EMF, अच्छा अब एक दूसरी सेल है भाई, है ना, और उसकी EMF भी कितनी है, दैट इज यही है ना, इज कनेक्टेड इन सीरीज। देखो अब वो दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, बट द करेंट इन वायर रिमेन द सेम। लेकिन पहले मान लो कि, देखो कह रहा है क्या क्या बोला, इसके कहने का मतलब क्या है कि पहले मान लो केवल एक सेल थी, तो उस एक सेल के थ्रू जो भी उस सर्किट का एक करेंट होगा, तो वो जो करेंट था अब क्या किया गया कि अब एक और सेल को क्या कर दिया गया बच्चे, कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी कह रहा है कि अभी भी जो उस वायर में, उस सर्किट में जो करेंट है वो अभी भी सेम है। क्लियर है मेरी बात। फिर आगे कह रहा है कि फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड सेल। देखो अब यहाँ पे ये कह रहा है भाई, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड सेल यानी कि देखो कह रहा है कि EMF तो सेम है लेकिन उस इंटरनल, उस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कुछ चेंज है। अब वो क्या है वही आपको फाइंड आउट करनी है, समझ रहे हो। तो मान लो आपने कहा सर कि हमारी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लो हमने इसको मान लिया हमारा ये R1 है और जो सेकेंड सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मान लो R2 है, और इसी R2 को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पहले मेरी बात समझो, आपने कहा सर मेरे पास ये क्वेश्चन था और मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने अभी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताया, बस मैंने जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ था उसी क्वेश्चन को मैंने एज ए गिवन फॉर्म में लिख लिया। अब कह रहा है कि जब हमारे पास जब केवल एक सेल था तो उसकी कुछ करंट होगी। अब क्या होगी वो करंट, हम क्या निकाल सकते हैं? हाँ भाई हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, तो एज वी नो हम जानते हैं कि हमारा जो करंट का जो फॉर्मूला होता है, करंट इज इक्वल टू होता है क्या होता है हमारा EMF, है ना, टोटल EMF अपॉन हम क्या कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं, टोटल
रेजिस्टेंस कहते हैं, मेरी बात समझो। आपने कहा सर करंट, जब हम क्या करेंगे, हम करंट निकालेंगे जब हमारे पास केवल क्या हो, पहले कंडीशन की हम बात कर लें, जब हमारे पास केवल एक सेल था। तो हमने कहा सर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं क्या, कि व्हेन वी हैव, व्हेन देयर इज ओनली वन, व्हेन देयर इज ओनली वन सेल। अगर मान लो केवल एक सेल है बच्चे, देखो अगर समझो मेरी बात समझो, अगर आपने कहा सर मेरे पास अगर कोई केवल एक सेल था तो वो एक सेल तो रहा ही होगा, साथ ही साथ उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी रही होगी, समझ रहे हो, उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी रही होगी। तो अब क्या किया गया, उससे एक वायर कनेक्ट किया गया है, तो क्या होगा उस वायर में करंट फ्लो होगा। तो देखो उस वायर में जो करंट फ्लो होगा वो करंट किस पर डिपेंड करेगा, उस सेल के ईएमएफ पर डिपेंड करेगा और उस सेल के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, अभी हम क्या बात करें जब हमारे पास केवल एक सेल है, तो हमने कहा सर उस केस में हमने आई निकाला, तो आई हमारा कितना हो गया, देखो ईएमएफ कितना दिया मेरे पास 1.1 अपॉन जो इस सेल की रेजिस्टेंस है वो कितनी दी गई है 0.5 दे दी गई है। ठीक है, आप इसको अगर सॉल्व कर लोगे, एक मिनट देखो, एक यहां पे थोड़ी सी एक बात मिस हुई है क्या, अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.1 वोल्ट एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है। अब यहां पे एक बात आप थोड़ा सा और मेंशन कर लो, इज कनेक्टेड, इज मेरी बात समझ लो, आप लिख लो इज कनेक्टेड टू वायर, है ना, इस कनेक्टेड टू वायर और उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है 0.5 ओम। बात समझ गए, यहाँ पे एक चीज मिस हुई है, समझ लो क्या करना है, R इज इक्वल टू 0.5 ओम तो दिया गया है, फिर ये जो सेल है वो किसी वायर से कनेक्ट है तो उस वायर की भी क्या होगी रेजिस्टेंस है, यही बात थोड़ी सी छूटी हुई है, आप इस चीज को थोड़ा सा मेंशन कर लो। तो आपने कहा सर मेरे पास जो R है वो दे दिया है 0.5 ओम। अब मेरी बात समझना बच्चे, देखो यहाँ पे थोड़ी सी मेरी बात समझो, आपने कहा कि सर जब ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं, जब हमारे पास मान लो केवल जब एक सेल था, है ना, तो एक सेल था, हमने उसको क्या किया, हमने किसी एक वायर से कनेक्ट किया, अब उस वायर की भी क्या है एक रेजिस्टेंस है और उस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है 0.5 ओम है। देखो तो अगर आप बात करते हो टोटल रेजिस्टेंस की, तो देखो टोटल रेजिस्टेंस में आप क्या क्या काउंट करोगे, आप इस फर्स्ट वाले सेल का रेजिस्टेंस काउंट करोगे, साथ ही साथ ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आप उस वाले रेजिस्टेंस को भी क्या करोगे काउंट करोगे, आ रही मेरी बात समझ में, तो आप क्या करोगे प्लस का 0.5 फिर से यहाँ पे 5 कर दोगे। बताओ मेरी बात, इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं। आपने कहा सर करंट, करंट इज इक्वल टू क्या होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आपने इसके जस्ट तीन लेक्चर पहले वाला ये फॉर्मूला है करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो देखो अब मेरे पास सेल है तो सेल का क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और प्लस इस वायर का भी रेजिस्टेंस है, तो हमने क्या कर दिया सर, हमने दोनों को आपस में ऐड कर दिया। सो फाइनली आपको I इज इक्वल टू कितना मिल गया, आपको मिल गया 1.1 अपॉन 1, दैट इज आपको जो I मिला वो कितना मिला 1.1 एम्पियर की वजह से जो आपको है वो करंट मिल गया, यानी कि इस सर्किट में 1.1 एम्पियर की क्या हो रही है करंट फ्लो हो रही है। अब मेरी बात समझना, फिर देखो सेकेंड पार्ट ये कहता है कि अब हम इसमें एक दूसरा सेल जो है वो ऐड कर देते हैं। इसने कहा सर कि मान लो मेरे पास ये एक सेल था, पहले से ये एक सेल था, इसकी एक रेजिस्टेंस थी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें एक दूसरा सेल जो है वो कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें एक दूसरा सेल कनेक्ट कर दे रहे हैं और यहाँ पे पहले से ही क्या होगी इस वायर की एक रेजिस्टेंस होगी, है ना, ये जो कि कितनी 0.5 है। अब आपने कहा सर ये हमें पता है, ये हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 है, ये हमें इसकी ईएमएफ भी पता है 1.1 वोल्ट है, ये भी हमें 1.1 वोल्ट पता है, अब यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस रहा होगा हमें ये रेजिस्टेंस नहीं पता, समझ रहे हो मेरी बात, ये रेजिस्टेंस हमें नहीं पता और हमने इस रेजिस्टेंस को कितना माना है R2 माना है। अब मेरी बात समझो, देखो अब याद करो कि हम सीरीज वाले क्वेश्चन में हमने कहा कि सर हमारा जो सेल है वो कैसे आपस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर बच्चे ये सीरीज में कनेक्टेड है तो आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, तो आप कहोगे व्हेन सेकेंड सेल इज कनेक्टेड, समझ रहे हो मेरी बात, जब आपने क्या कर दिया, जब आपने बहुत ज्यादा फास्ट में बोल रहे ना, देन सेकेंड सेल इज कनेक्टेड। अब देखो अगर आपने सेकेंड सेल अगर कनेक्ट कर दिया तो अब इसकी इक्विवेलेंट इसकी जो इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है ना, देखो ईएमएफ को हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान समझना, कहीं कहीं बुक में, किसी बुक में, अदर रेफरेंस बुक में ईएमएफ को कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, तो टेंशन मत लेना, अगर कहीं भी ई दे दिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस के मतलब अगर जो आपका ईएमएफ है अगर वो ई से रिप्रेजेंट कर दे तो मतलब वो शॉक मच हो जाना कि सर ये क्या दे दिया। चलो तो इसने कहा कि सर व्हेन सेल इज कनेक्टेड, है ना, व्हेन सेकेंड सेल इज कनेक्टेड, आपने इसमें सेकेंड सेल कनेक्ट कर दिया, तो अब बताओ चाहिए इसकी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो कितनी हो जाएगी, तो आप क्या कहोगे ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो दोनों सही है, ये प्लस माइनस फिर ये प्लस, मतलब ये सही रिवर्स ऑर्डर में नहीं ऐड है, तो आप दोनों सेल की ईएमएफ को आप क्या करोगे ऐड कर दोगे, दैट इज आप करोगे बच्चे 1 + 1 1.1 अपॉन 1.1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.2 वोल्ट। ये आपकी ओवरऑल इस पूरे सेल की क्या आ गई, आपने इक्विवेलेंट निकाल लिया। बट अब देखो अब अगर आप टोटल रेजिस्टेंस की आप अगर फिर से बात करना हो, इस केस में आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा बच्चे, आप मेरे को बताओ टोटल रेजिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा,
देखो टोटल रेजिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, तो पहले पहले से देखो पहले से ही एक ये रेजिस्टेंस है, तो आपने कहा सर 0.5 प्लस ये एक मेरे पास ये वाला भी रेजिस्टेंस है दैट इज 0.5, और आपने इस सेल की रेजिस्टेंस को मान लिया है क्या आर टू मान लिया, ये तो होगा टोटल रेजिस्टेंस, समझ रहे हो, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 + R2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + R2 हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, तो आपने कहा सर हम अब हम फिर से अगर हम इसका करंट निकाले, तो आपने कहा सर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चे करंट चेंज नहीं होता है, करंट अभी भी क्या है रिमेन है सेम है वन सेम, तो अगर हम फिर से अगर हम करंट का फॉर्मूला लगाए दैट इज हमने कहा सर आई इज इक्वल टू ईएमएफ है ना, अब हम कहेंगे क्या टोटल ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, सेम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बताओ टोटल ईएमएफ आप कितनी रखोगे 2.2 रखोगे अपॉन टोटल आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी रखोगे, आप रखोगे 1 + R2, यही तो रखोगे 1 + R2, बोलो बच्चे इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात समझ में आ रही है। आपने कहा सर आई आई जो है वो हमें पता है देखो कितनी है 1.1, तो आई की जगह आप कितना रखोगे 1.1 इज इक्वल टू 2.2 की जगह 2.2 ही रख दोगे अपॉन 1 + R2, 1 + क्या रख दोगे R2 रख दोगे, बोलो इतनी बातें क्लियर है। अच्छा तो अब यहाँ से आप क्या R2 की वैल्यू आसानी से नहीं निकाल सकते हो, आप इसको इधर भेज दो, तो ये जब इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये दैट इज हो जाएगा 1.1 और प्लस ये कितना हो जाएगा 1.1 इंटू R2 इज इक्वल टू 2.2, ठीक है, क्योंकि तो थोड़ा सा लेंदी कर रहे हैं, रुक जाओ देखो यहाँ से क्या कर दो, इस 1.1 को इस 2.2 से कट कर सकते हैं, देखो कितनी बार में 2 टाइम में ये कट हो जाएगा, कितना बच जाएगा, तो इधर बचेगा 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 + R2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, तो 1 + R इज इक्वल टू 2, सो R इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज कितना आ गया R इज इक्वल टू 1 ओम, सॉरी ये R2 तो बचे R2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 ओम आ गया, इस तरीके से आपने क्या कर दिया निकाल लिया। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं है, देखो बहुत आसान है, मैंने फिर से कहा कि आपको अगर फॉर्मूले का अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है बच्चे पिछले वाले वीडियो से भी अगर वो जहाँ से हमने सेल स्टार्ट किया था ठीक है ना, अगर वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें अगर बच्चे क्लियर है तो आपको इस क्वेश्चन में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, हम ये गारंटी लेकर के बोलते हैं ठीक है। आप क्वेश्चन एकदम रफली मतलब जैसे लगाते हो ना एकदम लगाओ कि बस मेरी बात समझते हो। चलो तो अभी हम ये केवल अभी हम सीरीज वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, कैसे वाले क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे सीरीज वाले क्वेश्चन, अभी सीरीज वाले में भी बहुत सारे टाइप के भी देखो अभी आपके आएंगे, मेरी बात समझते चलो ठीक है। ये क्वेश्चन आपने कर लिया लिख लो इसको जल्दी से अच्छे से समझ लो, नहीं समझ पाए हो तो वीडियो को फिर से देखो, अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो आप स्लो कर सकते हो, अगर हम बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहे हैं आपके लिए तो आप फास्ट कर सकते हो, यूट्यूब में ऑप्शन होता है ना। चलो हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये समझ में आया कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को ये जो चैप्टर या फिर ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ये मेरे को समझ में आ रहा है, आप ये कमेंट करोगे ठीक है। फिलहाल यहाँ तक तो अभी तक आपको कोई क्लियर नहीं हो गया, आई होप बहुत आसान है, बहुत ही आसान है देखो, और अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती बचे तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को टाइम को मेंशन कर दिया करो कि जिस भी जगह आपको प्रॉब्लम है उस टाइम को आप मेंशन कर दिया करो है ना, समझ रहे हो मेरी बात, आप उस टाइम को मेंशन कर दिया करो सर मेरे को यहाँ पर इस इतने बजकर मतलब सॉरी इतने बजकर नहीं इतने मिनट के इतने सेकंड पर मेरे को ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही थी, तो आप ये चीज़ क्या करो। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हाँ सर थोड़ा बहुत हमें आइडिया तो पता चला, हम ये नहीं कह रहे कि आपको 100% समझ में आया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको 50% समझ में आया, हाँ बस आप इतना खुद से सोचो कि क्या हमें क्वेश्चन का आइडिया पता चला या नहीं पता चला, कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है कैसे कैसे पूछ रहा है, बस आप इतनी बात खुद से पहले एनालाइज करो और ये बात आप खुद से पहले बताओ कि हाँ सर मेरे को थोड़ा सा बहुत जो अमाउंट में है वो क्वेश्चन का जो टाइप है वो समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से समझना। देखो बच्चे यहाँ से या तो आप क्वेश्चन देख लो या फिर आप अपने पीडीएफ से जाकर के क्वेश्चन देख सकते हो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो सेल दिया, मैं आपको मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है कि टू सेल आपके पास दो सेल है जिसकी ईएमएफ दी गई है ना, कम कनेक्टेड इन सीरीज इन अपोजिटली कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है अपोजिट, समझ में आ रहा है आपको ये बात समझ में आ रही है अपोजिटली कनेक्टेड ठीक है। अच्छा एंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस दिए गए मतलब फर्स्ट वाले का ये है और सेकंड वाले का ये है। नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज, अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये जो आपका जो सेल जो आपस में एक दूसरे से जो सीरीज में कनेक्टेड थे अब ये फिर जो फर्दर ये किसी और से कनेक्टेड, नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ohm and 3 ohm, मतलब कि अब एक कोई दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4.5 ohm का और 3 ohm का एंड अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm और एक अनदर रेजिस्टेंस है ना। देखो अब ये जो दो रेजिस्टेंस है वो आपस में कैसे कनेक्टेड सीरीज में, समझ लो ये जो दो रेजिस्टेंस हैं ये 4.5 ओम के और ये जो 3 ओम के ये आपस में कैसे कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है। फिर कह रहा है कि एक अनदर भी रेजिस्टेंस है 6 ओम का इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 3 ओम,
तो ये वही है सीरीज कॉम्बिनेशन वाला है। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो को, अगर आप मेरे वीडियो को अगर कंटिन्यू अगर आप देखते नहीं आ रहे हो, तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दो, नहीं आने वाला समझ में, है ना। फालतू की परेशानी मत उठाओ, आप जा करके पहले वाले वीडियोस को देखो, है ना। जो यानी कि जो भी 1 से लेकर के जो भी आपके 11 तक हैं, उन सारी वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं यार कि आगे डायरेक्टली उड़ करके यहाँ पर सुपरमैन आप लोग थोड़ी ना हो, या सुपर गर्ल थोड़ी ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं चलता। ओके चलो, फिलहाल जो बच्चे देख रहे हो, चलो अब आगे बढ़ो आप मेरे साथ। तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस, तो यहाँ तक आपको मतलब समझ आएगा। फिर देखो ये बोल भी दिया, कह रहा है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है पहले केस में। दूसरा कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और टोटल जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है वो भी आपको बतानी है, ठीक है। आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, ठीक है ना। चलो देखो पीडीएफ से आप बस फिलहाल केवल क्वेश्चन देखो, बाद में आप क्वेश्चन को फिर से क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखो कह रहा है कि टू सेल है भाई, और ये दोनों सेल आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है एंड अपोजिटिवली कनेक्टेड है। तो चलो हम पहले एक सेल बनाते हैं। देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की। तो आपने कहा सर मेरे पास एक सेल है, दो सेल है, है ना। ये मान लो मैंने कहा सर ये मेरे पास फर्स्ट सेल है, ठीक है, और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और ये मेरे पास एक सेकेंड सेल है। और देखो ध्यान समझो, कह रहा है कि अपोजिटिवली कनेक्टेड है, यानी कि अब इसका माइनस इसके माइनस से कनेक्टेड है, इसी को तो हम कहते हैं पॉजिटिवली। मान लो ये आप पॉजिटिवली नहीं कहते तो हम क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, प्लस माइनस ऐसे आपस में ये कनेक्ट होते हैं। अच्छा जी, तो इनका भी क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। फिर फर्दर कह रहा है कि नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 एंड 3 ओम। अच्छा, अब क्या है कि अब इनसे एक दूसरा हमारा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, और ये जो रेजिस्टेंस है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, आपस में सीरीज में। मान लो कि आपका ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4.5 ओम का रेजिस्टेंस है, और इससे एक और आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो कि कितने ओम का है, जो कि आपके 3 ओम का है, ठीक है। अच्छा फिर देखो क्या कहता है, फिर कहता है कि एंड अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस है कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 3 ओम। अब एक दूसरा रेजिस्टेंस, ये मान लो आपने कहा सर ये मेरे पास 3 ओम का ये रेजिस्टेंस है, अब इससे एक दूसरा रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है जो कि कितने ओम का है, जो कि 6 ओम का है। बोलो ये फिगर समझ में आया, अभी ये फिगर कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे बात ध्यान समझना। अभी आप इसमें करंट डिसाइड करो ना कि करंट किधर से किधर फ्लो करेगी, ठीक है। देखो आपने कहा सर ये मेरा जो वोल्ट है वो ईएमएफ है वो 4 वोल्ट का है, ये 8 वोल्ट का है, तो भाई देखो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो अभी ऐसी बात है जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी भाई। इसका जो ये हमारा ये ओवर पावर्ड हो गया ना, दैट इज आप इसको शॉर्ट में कहते हैं ओपी, है ना, ओपी पता नहीं क्या बच्चे चिल्लाते हैं, ओपी का मतलब ओवर पावर, ठीक है। तो जो करंट है वो देखो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, क्यों, क्योंकि इधर वाली ईएमएफ क्या है, ज़्यादा है, है ना। और फिर भी सेल में, सेल के अंदर की अगर हम बात कर रहे हैं, सेल के अंदर जो आपकी करंट कैसे फ्लो होती है, माइनस से प्लस की तरफ, ये तो आपको पता है ना, सब ये पिछले वाले लेक्चर का खेल है, अगर आपने नहीं देखा तो फिर भूल जाओ इस टॉपिक को, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई, यानी कि करंट आपकी ये होगी आई, है ना, ये आपकी होगी आई। यहाँ से मान लो ये देखो अब ये पैरेलली कनेक्टेड, मैंने आपको बताया कि जब पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो इनकी जो वोल्टेज डिफरेंस होती है वो सेम होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल डिफरेंस होता है, वो सेम होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बट जो करंट होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो मान लो इस वाले में चला गया आपका समथिंग, कुछ करंट गया और इस वाले में भी कुछ करंट जाएगा, हम आगे देखेंगे। फिर अभी केवल कह रहा था कि आपको इसका केवल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैंने ये इसका क्या कर दिया, सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो गया। क्लियर है इतनी बात, बताओ आप यहाँ पे ये मेंशन कर दो कि आपका कितना है, ये आपका है 0.5 ओम और ये है 1 ओम और ये है 4.5, ठीक है, सारी चीज़ मेंशन है। तो ये आपका फाइनल पहला वाला आंसर जो है वो हुआ, अभी फर्स्ट वाला आंसर हुआ। और याद रखना करंट हमेशा, है ना, इधर वाले से डायरेक्शन में चलेगी, क्यों, क्योंकि ये ओवर पावर्ड है भाई, ये 4 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, तो इसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा ना, करंट इधर की तरफ फ्लो होगी। क्लियर है, ओवर पावर्ड आप याद रखो, ऐसे टर्म से याद रखो। चलो तो आपने ये सर फर्स्ट वाला हो गया। नाउ देखो हम बात करते हैं कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। देखो जी सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको टोटल करंट निकालना है कि इस सर्किट में ये जो आई जो निकली यहाँ से, ये जो आई निकली ये कितनी निकली भाई, ये आई कितनी निकली। तो सिंपल आई का आपको फॉर्मूला याद है, क्या आप बताते हो, आप बताते हो सर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये तो बोलते हो, मेरी बात समझो। आप किसी भी सेल में, आपने याद करो, आप जब किसी भी सेल को, आप जब किसी एक सर्किट से, किसी एक वायर से या फिर किसी एक रेजिस्टेंस से अगर कनेक्ट करते थे तो टोटल ईएमएफ लेते थे अपॉन में वो सबसे फर्स्ट वाला, मतलब आपका जो वो वीडियो था ईएमएफ वाले चैप्टर, ईएमएफ वाले वीडियो का, तो आप क्या करते थे टोटल रेजिस्टेंस लेते थे। टोटल रेजिस्टेंस में क्या लेते थे, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती वो भी लेते थे, प्लस जो आप एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगाते थे आप उसको भी काउंट करते थे ना। तो हम बात करते हैं टोटल ईएमएफ की। देखो ये बेसिकली दोनों आपके कैसे सीरीज में है,
और जस्ट अपोजिटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो क्या आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, यानी कि इक्विवेलेंट दैट इज आपका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, मतलब कि इन सेल को हटा करके हम कोई एक बड़ा सा सेल लगा दें जिसकी मैप कितनी होगी। देखो तो आपने कहा, बात समझ जाए यहां से, आपने कहा सिंस 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट आपस में कैसे कनेक्टेड है, अपोजिटिवली कनेक्टेड है, तो इसका जो EMF मिलेगा, इसका जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8 - 4। बोलो अपोजिटिव लाइन हमने क्या बताया था कि माइनस करते हैं, तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक, अच्छा तो आपने इक्विवेलेंट निकाल लिया, यानी कि आपका ये निकल गया, ठीक है ना, टोटल EMF आपने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की, तो देखो टोटल रेजिस्टेंस में ये भी ऐड होगा, 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 लेकिन 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 ऐड तो सारे करेंगे, लेकिन आप मेरे को ये बताओ पहले कि पहले आप इन दोनों को कैसे ऐड करोगे, पैरेलल है तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, देन इसको इसके साथ फिर ऐड करोगे, जो भी इसका आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा फिर आप इसको इसके साथ ऐड करोगे, देन फाइनली फिर आप चारों को ऐड कर लेना, समझ रहे हो। तो आपने कहा सर हम सबसे पहले किसका निकालते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को जो है आपस में पैरेलली ऐड करते हैं, क्लियर है। देखो तो क्या करते थे, आपने ये कहा कि सिंस थ्री ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, है ना, पैरेलल में है ना, आर इन पैरेलल। अब कहोगे आप सर अब तो अब ये सिलेबस से तो हटा दिया गया है, तो भैया फिर देखो वो फिर आपकी प्रॉब्लम है सर, सिलेबस से हटा दिया गया तो फिर अब ये आप समझो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलेबस से हटाने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं लेना है, आपके उसके बारे में नॉलेज लेना है, वो एनसीईआरटी वाले खुद बोल रहे हैं साफ साफ, वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि भैया देखो गलती से हट गया है, आपको उसको पढ़ना है, जरूर से जरूर पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके तो आपने कहा सर ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे आपस में पैरेलली है, तो पैरेलल भाई कैसे करते हैं, तो मान लो इसका एक इक्विवेलेंट, इन दोनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज हम इसको कहेंगे आर डैश। तो कैसे करते हैं, 1/3 1/3 + 1/6 कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा भाई 2 + 1, ये सब तो आता है आपको एलसीएम एलसीएम लेने, इतनी बातें तो नहीं बतानी पड़ेगी ना, छोटे बच्चों वाला काम तो आप लोग नहीं करोगे ना, कितना आ जाएगा 1/2। सो आर डैश इज इक्वल टू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। कैसे होता है देखो, अब ये देखो ऐसे समझ लो 1/r' = 1/2, तो ये जब r डैश ऊपर जाता है तो ये 2 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये भी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, दैट इज r' = 2 हो गया। तो ये हमने r डैश निकाला, दैट इज हमने ये दोनों निकाल लिया। नाउ फर्दर अब देखो, अब ये जो है और ये जो 4.5 है ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, आपस में ये फिर से सीरीज में कनेक्टेड है। देखो ये आपस में एक दोनों को ऐसे मिला दो, ऐसे चिपक गया, और ये दोनों फर्दर आपस में कैसे होगा, ये आपस में आपके सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप क्या करोगे, फर्दर 4.5 को और ये इस 2 ओम को आप कैसे ऐड करोगे, आप इन दोनों को सीरीज में ऐड करोगे। तो आपने कहा सिंस 4.5 ओम एंड आर डैश इज कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, तो भाई देखो कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा क्या आर, ठीक है, मान लो कि इस पूरे का हम क्या ले लेते हैं, आर लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू देखो आपको कितना मिल जाएगा 4.5, और सीरीज में कैसे करते हैं दोनों को हम प्लस लिए ऐड कर लेते हैं, 4.5 + 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 6.5 आ गया। 6.5 ओम की आपने क्या कर ली, रेजिस्टेंस निकाल ली, है ना, इस पूरे की। अब आपने कहा सर टोटल रेजिस्टेंस मेरे को चाहिए, मेरे को केवल इनका रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, मेरे को टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। देखो बात समझना, यहाँ पे देख लो आप अपनी कॉपी में नीचे करोगे, आपने कहा सर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस, तो देखो ये तो सब ऐड करोगे ही करोगे, तो इन सभी का आपका जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आया है, इन सभी का जो इक्विवेलेंट आया वो देखो कितना है, 6.5 आया। तो आपने कहा सर 6.5 प्लस, अब इस वाले रेजिस्टेंस की क्या, इस वाले सेल की एक रेजिस्टेंस है कितनी है 0.5, प्लस इस वाले की भी एक रेजिस्टेंस है कितनी है 1, तो आपका इसका टोटल जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस वो कितना आ जाएगा, 6.5 और 7, 8, कितना आ गया 8 ओम, यानी कि आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस वो कितनी आ गई, 8 ओम आ गई। तो आप इस टोटल रेजिस्टेंस की जगह कितना रखोगे, जो 8 ओम रखोगे, और ये टोटल ईएमएफ की जगह कितना आप रखोगे, 4 वोल्ट रखोगे, ठीक है ना। सो फाइनली आपने कहा कि सर टोटल जो मेरा करंट है, टोटल करंट इन द सर्किट वो कितना हो जाएगा, सो आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितनी है, 4 है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 8 है, कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2, दैट इज आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। बोलो इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है, 0.5 एम्पियर। अब देखो ये क्वेश्चन तो यहां तक फिनिश हो गया, बट हम अब इसमें कुछ चीजें अपने से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कई बार आपके ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है देखो, और ये आपके क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आया हुआ है। देखो अगर हम आपसे ये कहें कि फाइंड द करेंट इन ईच रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर हैं यहां यहां
यहाँ इन तीन रजिस्टर है ना, अगर हम आपसे बोले कि चलो बताओ इन तीन रजिस्टर्स में करंट की अमाउंट कितनी होगी, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके सोचो कि क्या सर ने इस टाइप का क्वेश्चन बताया है। देखो वो अलग बात है, हम एक किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया सा लॉ है ना, उसके बेसिस पे हम करंट वाले मतलब ये देखो उसमें थोड़ा सा हम इसका यूज कर रहे हैं करेंगे, वो एक ऑलरेडी हम ऐसा एक क्वेश्चन बता चुके हैं जस्ट वाला जो आपके, अब अपना पीडीएफ देखना आप, उसमें आपके लिए एक सरप्राइज है, आप चौंक चौंक देख करके हैं सर ऐसा भी होता है क्या। देखो ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं आपको क्या निकालना है, आपको करंट निकालना है इन ईच रजिस्टर्स। 3 ओम के रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो करेगी, 6 ओम के रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो करेगी, 4.5 ओम के रजिस्टर्स में कितनी करंट फ्लो करेगी आपको ये निकालना है। चलो कैस कर सकते हो, चलो देखो हम बता रहे हैं इन चीज़ों को पहले मिटा देते हैं और हमें यहाँ से करंट पता चल गया बच्चे क्या ये जो आई है वो कितना के यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हम इन चीज़ों को मिटा दें, 0.5 एम्पियर। ठीक है अच्छा जी, तो इनको हम हटाते हैं है ना। अच्छा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी याद रखना था, कितना आया था इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 2 आया था। ठीक है जाने दो, याद मत रखो कोई बात नहीं, अब अपनी कॉपी में लिखे हो ना। चलो ठीक है ओके सर, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये एक बढ़ा दिया गया, क्या बोल दिया गया कि ऑल्सो फाइंड द करेंट इन ईच रजिस्टेंस। ठीक है सर, इनिच रजिस्टेंस नहीं, इनिच रजिस्टर कह लो, रजिस्टर्स। अब मेरी बात समझो, देखो क्या हुआ सिंपल, आपको ये पहले करंट का फ्लो तो समझ में आ रहा है जिसको हम लोग हिंदी में धारा कहते हैं ना, धारा, धारा का मतलब आपको करंट का फ्लो जो है वो समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे यहाँ पर है जब आपकी जो धारा है जो आपकी जो करंट है जब यहाँ पर है तो क्या हुआ, अब ये जो करंट है अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा भाई, एक ऐसे चला जाएगा, बोलो एक ऐसे चला जाएगा, समझ में आ रही है बात, समझ रहे हो ना, ये कैसे चला है। तो मान लो कि ये जो इसमें जो करंट गई वो मान लो I1 करंट चली गई, कितनी करंट गई I1, और इसमें जो करंट गई वो चली गई I2, दिख रहा है आपको, इसमें चली गई I1 इसमें चली गई I2। अच्छा फिर से फर्दर ये यहाँ से जो करंट जो बाहर निकलेगा और फिर से कितने अमाउंट का निकलेगा, फिर से I अमाउंट का निकलेगा, ये रूल होता है, ये करंट ऐसे 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 गई फिर से कितनी हो गई I हो गई। यानी कि आपको समझ में आ गया कि इस 4.5 ओम वाले रेजिस्टेंस में आपकी जो करंट फ्लो होगी वो 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो, ये आपने पहले बता दिया, तो आप इसको चुपचाप लिख लो। आपने कहा पहले आपने ये बता दिया कि हैंस, आपने कहा कि सिंस आई इज इक्वल टू कितना है 0.5 एम्पियर है, सो करंट फ्लो इन 0.5 ओम रजिस्टर, सॉरी 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 0.4.5 ओम ये वाले में ना रजिस्टर इज 0.5 एम्पियर, ये आपका भी फर्स्ट आंसर होगा। नाउ आपको इसमें निकालना है, इसमें निकालना, देखो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है, आपने कहा सर कि अब जब हमारी करंट जब इसमें फ्लो होगी तो अब देखो बेसिकली क्या है कि ये जो आपका 3 ओम का जो रजिस्टर्स है, ये जो आपका 6 ओम का रजिस्टर्स है, ये आपके पैरेलली अटैच्ड है, तो पैरेलली अटैच्ड है तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, समझ रहे हो, वो क्या होता है सेम होता है। मान लो कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वो V1 है और ये V2 है, ये V1 है और V2 है, तो आप कहोगे क्या कि सिंस, देखो सिंस 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये कैसे हैं पैरेलल कनेक्टेड है, तो अगर ये पैरेलल कनेक्टेड हैं तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो सेम होगा बट जो करंट होगी वो अलग अलग होगी है ना, पैरेलली कनेक्टेड। तो हम ये लेट कर लें कि 3 ओम कैरी I1 एम्पियर, I1 करंट, ठीक है, और 6 ओम कैरी I2 करंट, ठीक है, I2 अमाउंट की जो विद्युत धारा है करंट है वो फ्लो करा रहा है। तो अगर ऐसा होगा है ना, तो आपने कहा सर वोल्टेज तो सेम है, तो आप ये कह सकते हो क्या V1 इज इक्वल टू V2, हम कह सकते हैं ऐसा से। अच्छा अब आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो V की जगह क्या रखोगे, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। अच्छा I1 की देखो वैल्यू कितनी है,
आई वन हमें निकालना है इंटू आर वन की। देखो ये हम मान लो आई, इसको हम मान लो आई वन मान, तो उसको हम आर वन मान लेते हैं, तो दैट इज थ्री इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको, आई टू आपको निकालना है, और आर टू देखो कितना, सिक्स, थ्री से टू कट जाएगा टू बार में, तो कितना आ गया आई वन इज इक्वल टू कितना आ गया टू आई टू, फिलहाल समझो आई वन इज इक्वल टू कितना आ गया टू आई टू आ गया। अच्छा आपने आई वन इज इक्वल टू टू आई टू निकाल लिया, अब देखो मेरी बात समझ रहा है, आपने कहा सर इस सर्किट में जो करंट जो एंटर करी वो आई वन और आई टू करी, और आई वन प्लस आई टू की वैल्यू टोटल मिलकर के कितनी हुई आई। अभी हम ये पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ में, हम यहाँ पे थोड़ा सा उसका यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो, किरचॉफ करंट लॉ हम ये थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और भयंकर भयंकर वाले क्वेश्चन लगेंगे, बट ट्रस्ट करो बहुत आसानी से समझेंगे सारे के सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आपने कहा सर कि अगर हम ये कहें कि आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई, क्या ये कहना गलत होगा, सही है। आई वन इज इक्वल टू, देखो आई वन की वैल्यू कितनी दी गई है टू आई टू, तो हम इसकी जगह क्या रख दें टू आई टू, प्लस आई टू की जगह आई टू छोड़ दो, और आई देखो आई आई इज इक्वल टू आपको पता है 0.5, समझ बात आ गई, तो ट्राई कर लो, अगर बात समझ में आ गई तो आगे करो आप ट्राई करो। चलो कितना हो गया 3i2 इज इक्वल टू 0.5, तो i2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.5 अपॉन 3i2, सॉरी 3, तो कितना हो गया i2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.5 अपॉन 3। तो आप इसको थोड़ा सा कैसे कर लो, सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 5 अपॉन 30, मतलब ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 6 जा 1 अपॉन 6, तो I2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 6 एम्पियर, यानी कि करंट फ्लो, आप क्या बताओगे, करंट फ्लो इन 3 ओम रजिस्टर इज 1 अपॉन 6 एम्पियर। नाउ I2 निकाल लो, तो आपने कहा सर I2 आपने निकाल लिया, एक मिनट, I2 हमारा किस में है, ओके सॉरी, देखो I2 हमारा 6 ओम वाले में ना, तो आप क्या कहोगे करंट फ्लो इन 6 ओम रजिस्टर, है ना, ये कितना है हमारा 1 अपॉन 6 है। नाउ हम बात कर लेते हैं किसकी, अगर आपने जब I2 निकाला तो आप I1 निकालो, I1 इज इक्वल टू देखो कितना जाएगा 2 into I2, I2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 6, I2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 6, 3 जा कितना गया 1 अपॉन 3, तो आप क्या कहोगे करंट विद्युत धारा, ठीक है, फ्लो, हिंदी में कहते हैं उसको विद्युत धारा, फ्लो इन 3 ओम रजिस्टर इज 1 अपॉन 3 एम्पियर, समझ गए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आसान है बोलो, सिंपल मेरी बात समझो, पहला वाला पोर्शन तो आपको अच्छे समझ में आ गया, फिर आपने कहा सर करंट निकाला जाए, तो करंट निकालने आपने कहा सर यहाँ से, अच्छा यहाँ से जो है आई अमाउंट की करंट आपने पहले ही निकाल लिया, और आई अमाउंट की करंट आपकी डिवाइड हो गई, एक ऐसे चली गई ऐसे चली गई, दोनों जाकर के उसमें मिल गई और दोनों जाकर के आपस में गिर गई भिड़ गई, हो गई चले जाए, समझ में आ गई बात ना, ठीक है चलो ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है, चलो हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जी ये है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पहले आप समझ लो और इस क्वेश्चन को पहले आप थोड़ा सा ट्राई करो, है ना, थोड़ा सा पहले आप ट्राई करो उसके बाद हम बताते हैं, कर लिया ट्राई, ओके देखो समझते हैं, अपन आंसर चेक करना, कितना आ रहा है आपका 0.75 आ रहा है, 0.75 एम्पियर अगर आ रहा है तो फिर ठीक है, नहीं तो देखो कहाँ गलती कर रहे हो आप। देखो आपने कहा सर क्वेश्चन का कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल सेल्स हैं ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, यानी कि 3 सेल है और तीनों सेल की जो ईएमएफ दी गई वो सबकी 2 वोल्ट है, ध्यान समझना, ठीक है 2 वोल्ट है तीनों की, मतलब कि अब सेम हो गई, मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया सेम हो गया, यानी कि जो फर्स्ट सेल है उसकी भी, सेकेंड की भी, थर्ड की भी, सबकी कितनी है 2 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 0.2, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है सेम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, वापस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 7.4 ओम, अब उनके साथ सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है जिसका रजिस्टर एक एक्सटर्नल रजिस्टर भी कनेक्टेड है जिसका रजिस्टेंस कितना दिया गया 7.4 ओम दे दिया गया है, कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, सिंपल सी बात है भाई, देखो आपने कैसे करा होगा सर, आपने कहा होगा आई इज इक्वल टू आपको निकालना है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रजिस्टेंस, यही तो कहोगे, तो आपने कहा सर हम पहले टोटल ईएमएफ निकाल लें, आपने कहा सर जो हमारा टोटल ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज आप क्या कहोगे, आप कहोगे ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री,
इज इक्वल टू ई वन, देखो कितना है 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, टोटल आपका ये आ गया। फिर कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दैट इज आपने कहा आर टोटल है ना, आपने कहा ये जो हमारा जो आर है ठीक है वो कितना हो जाएगा R1 + R2 + R3, तो कितना है R1 कितना दिया गया सबका 0.2 + 0.2 + 0.2, ये कितना हो जाएगा 0.6 ओम, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। नाउ हम बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की, हम बात करते हैं ना, उसके साथ एक 7.4 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दिया है, दैट इज आपका वो कैपिटल आर दे दिया है, कितना दे दिया है 7.4 ओम। तो आपने कहा सर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.6 + 7.4, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.6 + 7.4 दैट इज सच जीरो सात एक आठ ओके 8.0 दैट इज आपका 8 ओम जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। बोलो इतनी बात आपने करी ना, सो फाइनली आई इक्वल टू कितना हो गया, टोटल ईएमएफ कितना दिया गया है 6 / टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना है 8, इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, ये आपका लगभग आ जाएगा 0.75 क्या एम्पियर, ठीक है आया ना आपका 0.75 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है। चलो अब बच्चे यहां से देखो एक नया आप कॉन्सेप्ट समझो, आपने कहा सर क्या इस क्वेश्चन को ध्यान से मेरी बात समझना, अगर आपके क्वेश्चन में दे दे आइडेंटिकल सेल, क्या बोल दे आइडेंटिकल सेल समझो, तो अब इस आइडेंटिकल सेल का हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कैसे, आपको अपने नोट्स में जो है एक फॉर्मूला दिख रहा होगा है ना, वो फॉर्मूला कहां से आया हम उस फॉर्मूले की फिलहाल बात करेंगे। देखो आपको अपने नोट्स में आप अपने फ्रंट पेज पर देखो, आपको अपने नोट्स में एक फॉर्मूला दिख रहा होगा ठीक है आई का, जब हमारा बहुत सारे आइडेंटिकल सेल क्या हो सीरीज में कनेक्टेड हो, और बहुत सारे आइडेंटिकल सेल कैसे हो पैरेलली कनेक्टेड हो, तो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। वो आया कहां से देखो, अगर कहता है आइडेंटिकल सेल है तो भाई देखो मान लो जैसे 3 सेल था और एक सेल की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 2 वोल्ट थी, तो भाई 3 सेल की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। मान लो आपने कहा सर मेरे पास टोटल n सेल है, तो n सेल की टोटल ईएमएफ कितनी होगी, एनी होगी। याद रखना कौन से केस में हम बात कर रहे हैं, सीरीज वाले केस में बात कर रहे हैं, पैरेलल वाले केस में ऐसा नहीं होगा, मेरी बात ध्यान समझो, ये कौन से केस में होगा, ये आपके सीरीज वाले केस में होगा। सीरीज केस में मान लो अगर जितने नंबर ऑफ सेल होंगे, हाँ याद रखना कि वो सेल आपके इक्वल होने चाहिए, उस सेल का जो ईएमएफ है वो इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के आप ये करोगे। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और कह रहा है कि सेल की जो अमाउंट है, जो ईएमएफ की जो अमाउंट है पर्टिकुलर सेल की, वो अगर डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये आप भूल से भी मत लगाना, समझ रहे हो, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो ना। तो टाइप ऑफ पहले आप क्वेश्चन समझो कि अगर कभी भी बोल दिया आइडेंटिकल सेल, तो आइडेंटिकल सेल के केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो आपने कहा नॉर्मली सर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है आई का वो कितना होता है, वो आपके पास होता है ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर, आप ये कहते हो हाँ। अब आपने कहा कि नहीं नहीं मेरे पास केवल एक सेल नहीं था, ये आपके केवल सिंगल सेल के लिए है, जब ये आपका कब है, जब आपके पास एक कोई सेल अटैच्ड हो और उस सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो और उसके साथ कोई एक हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच्ड हो, तब ये इस केस में आपका ये फॉर्मूला है ना, ये सब आपने पहले पढ़ा है ना। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास अब एक सेल नहीं है, आपके पास 3 सेल है, आइडेंटिकल सेल है, मतलब कि सेम अमाउंट में उनकी जो ईएमएफ है वो सेम है ठीक है, तो मान लो आपने कहा सर अगर 3 सेल है तो यहां पे आप ईएमएफ क्या रखोगे, केवल ईएमएफ तो रखोगे नहीं, आप क्या रखोगे, टोटल 3E रखोगे, दैट इज 3, और अब आपकी जो रेजिस्टेंस आएगी तो रेजिस्टेंस भी देखो कितनी आएगी, दैट इज 3R आएगी, समझ गए। तो यानी कि आपने कहा सर अगर मान लो n इज इक्वल टू मान लो अगर 3 है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चे, बात समझ गए आप, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, समझते हैं इसको, तो हम कुछ ऐसा फॉर्मूला यानी कि हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे हो, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो एनसीईआरटी इस चीज को मेंशन नहीं करता, तो अब खुश मत हो जाओ कि अगर एनसीईआरटी इस चीज को मेंशन नहीं करता तो सर हम तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन देता है, और इसका एक क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी दिया है जो एनसीईआरटी खुद प्रिपेयर करता है, सैंपल पेपर एग्जाम के लास्ट मंथ में, लास्ट एक मंथ से पहले जो सैंपल पेपर जो निकालता है ना एनसीईआरटी, तो उस एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल, नाम याद रखना आइडेंटिकल सेल, अगर सेल आइडेंटिकल है तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वरना भूल जाओ, फिर ये नहीं अप्लाई करना है आपको, अभी जिस मेथड से आप करते आ रहे थे आप उसी मेथड से करोगे ठीक है, समझ रहे हो ठीक ओके। अब मेरी बात समझो, अब हम यहां से समझने वाले हैं
ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल के बारे में, सेम यही चीज है, थोड़ी सी मेरी बात थोड़ी सी और समझ लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो बच्चे, हेडिंग आप लगा लो, थोड़ी सी हेडिंग लगा लो, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल। मान लो अब इसमें भी हमारे दो कंडीशन होंगे। फर्स्ट हमने कहा कि हमने कहा अगर सीरीज ग्रुपिंग हो, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल हो तो क्या किया जाए। देखो याद रखना है आइडेंटिकल सेल की हम बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल सेल के ही केस में आप लोगे, अदरवाइज आप अपना नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाओगे जो आपने पहले पढ़ा है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और वहां पे सेल की अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट थी। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये आइडेंटिकल सेल के लिए फॉर्मूला है बच्चे। यहाँ पर बहुत ज्यादा इवन हम भी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, ये आइडेंटिकल सेल मतलब हम ये आइडेंटिकल बात इस वर्ड को हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे, अच्छा ये आइडेंटिकल बट इसी में सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट चुका है। आइडेंटिकल है तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अदरवाइज आप एन का कॉन्सेप्ट फिर भूल जाना, क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो अमाउंट है उनकी एमएफ की वो इक्वल नहीं है ना, तो फिर भूल जाना ये चीज़ याद रखो। तो आपने कहा सर लेट कर लेते हैं कि मेरे पास जो है वो टोटल एन सेल्स हैं है ना, और दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज कुछ ऐसे हैं इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो ये, फिर ये एक दूसरा, अब ये इसे डैश डैश, अब इन डैश डैश के बीच में क्या बहुत सारे सेल कनेक्टेड थे, हमने इनको बहुत सारे सेल को हमने डैश लाइन के थ्रू हमने दिखा दिया इस तरीके से, और इनके साथ कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर भी लगा हुआ है, समझ रहे हो। अब ये भाई सेल है तो इस सेल की एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, सबकी सेल रेजिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी, सबकी रेजिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। देखो अगर आपने कहा कि अगर हम ये लेट कर लें क्या EMF ऑफ ईच सेल आइडेंटिकल है, तो हम उसकी मान लो EMF क्या मान लें, E मान लें। देखो कभी कभी E भी बोलता है, ये वाला E भी बोलता है, ध्यान रखना कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, किसी किसी बुक में ऐसे ही बोला है। तो हम ये मान लें कि EMF उसकी कितनी है, E है, तो टोटल EMF कितनी होगी, सो टोटल EMF कितनी होगी, तो E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस कितनी बार, N टाइम, एन टाइम्स, सो कितना हो जाएगा, एन ई, बोलो टोटल ई एम एफ होगा ना, एन ई। अच्छा अगर हम बात करें इनके इंटरनल रेजिस्टेंस की है ना, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये कितना हो जाएगा बच्चे, आर प्लस आर प्लस आर प्लस डैश 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 कहाँ तक, एन टाइम तक, एन टाइम है ना टोटल, आपने कितने सर माने, टोटल एन माने, तो कितना हो जाएगा, एन आर। नाउ अब जो फॉर्मूला अप्लाई जानते हो आप, फॉर्मूला जानते हो कि जो करंट का जो फॉर्मूला होता है, करंट इन सर्किट इज इक्वल टू क्या करते हो, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में देखो ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा, होगा ना, तो फाइनली आपको जो आई मिलेगा वो क्या मिल जाएगा। अब आपको अपने फॉर्मूले की जो बुक में फॉर्मूले वाले पीडीएफ में आपको जो फ्रंट पेज पे जो फॉर्मूला नजर आ रहा है, दैट इज आई इज इक्वल टू, वो आ रहा होगा ये टोटल ईएमएफ, दैट इज एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, ये तो नजर आ रहा है, तो ये यहां से आया। याद रखना ये हम कब यूज करेंगे, ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल होंगे, बहुत सारे आइडेंटिकल सेल, दो होंगे तो भी ये यूज कर सकते, बस एन की वैल्यू आप क्या रख देना, टू रख देना, ठीक है। बाकी अपना बेसिक सा रूल, हम जो जिस बेसिस पे हम जो क्वेश्चन को कर रहे हैं, इतने सारे दो तीन क्वेश्चन को हमने जो सॉल्व किया ना, आप उसी बेसिस पर करोगे, ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ये चीज हो जाएगा है ना। इसमें करंट आप फ्लो कराओगे तो कैसे फ्लो कराओगे, दैट इज इधर से इधर की तरफ फ्लो कराओगे ना, ये आपने ऐसे लगाया है तो ऐसे कराना फ्लो, ठीक है, ये सेल के अंदर माइनस से ये प्लस चार्ज, ऐसे ऐसे तो फ्लो होगा, ये तो जानते हो करंट फ्लो कराना कैसे होता है, ये तो आप जानते हो अच्छे तरीके से ना। चलो ठीक है, ओके ओके ओके। अब देखो हम दूसरी बात कर लेते हैं क्या, कि जब हमारा जो सेल हो आपस में कैसे कनेक्टेड हो। सेकेंड हम बात कर लेते हैं कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है, एन का मतलब समझ रहे हो ना, एन का मतलब आपकी कितनी भी वैल्यू हो सकती है, वन टू थ्री समथिंग कुछ भी हो सकती है। चलो देखो, तो आपने कहा सर अगर हम पैरेलल ग्रुपिंग करें सेल्स की तो कैसे होंगे, क्या होगा। देखो आपने कहा सर मान लो आपके पास सर तीन सेल थे, और ये तीनों के तीनों सेल कैसे थे, आइडेंटिकल थे, बात मेरी समझना, ये उससे डिफरेंट है। अभी आपने जो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना,
उसमें आपकी जो सेल होती थी वो सेम अमाउंट की नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की होती थी, बट यहाँ पर हम जो सेल ले रहे हैं वो सेम अमाउंट की ले रहे हैं। समझ रहे हो? आप इससे कोई एक सर्किट कनेक्ट कर दो, दैट इज़ के साथ एक कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच्ड है और ये बना दिया, है ना। अच्छा जी, अब देखो करंट ऐसे फ्लो होगी, ठीक। मान लो कि इन सब की जो ईएमएफ है वो ई है, इसकी भी ई है, इसकी भी ई है, इसका रेजिस्टेंस आर है, आर है, आर है, ठीक है। तो आपने कहा सर कि अगर मेरे पास एक ऐसा सेल है ना, जो कि जिनकी जो रेजिस्टेंस है वो आर है और जो जिनकी जो ईएमएफ है वो ई है, तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट अगर आप रेजिस्टेंस निकालते थे तो कैसे होता था? देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो देखो वैसे निकलेगा, दैट इज आपने कहा कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस डैश 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 डैश, कितने टाइम तक? एन टाइम्स। वन अपॉन आर कितने बार? एन टाइम्स। आपने कहा मान लो कि अगर हमारे पास टोटल अगर एन सेल हो तब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एन सेल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल हम ऐसे तीन, वैसे बहुत सारे होंगे, समझ रहे हो ये चीज, है ना, बहुत सारे ऐसे होंगे। तो आर इक्विवेलेंट, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो वन अपॉन आर कितनी बार भाई? एन बार, तो एन अपॉन आर। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर अपॉन एन होगा, उल्टा कर देंगे, जस्ट अपोजिट, क्योंकि हमने इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, इतनी बात आपको समझ आ रही है। आपने कहा सर आप पहले ईएमएफ क्यों नहीं निकाले? आप तो सर पहले ईएमएफ निकालते थे, पहले देखो यहाँ जगह नहीं था इसलिए नहीं निकाले। देखो इसका रीज़न कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए, अभी कुछ एक्सप्लेन करना था हमें तो यहाँ पे ऐसे जगह की जरूरत पड़ेगी इसलिए हम यहाँ पर ईएमएफ नहीं निकाले। ये बात ध्यान समझना, ये बात आपको जल्दी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, बुक में भी जो बताया है वो पता नहीं देखो कैसे बताया है, एक्सप्लेन नहीं किया है, मेरी बात समझो। आपने कहा सर इसका हम ईएमएफ क्या ले लें, हम इसका जो ई इक्विवेलेंट लेंगे वो क्या ले लिया जाए? तो अगर हम आपसे कहें ई तो आप सरप्राइज होगे, सर ऐसे कैसे, सर ऐसे कैसे, हम लड़ाई कर लेंगे आपसे, ऐसे कैसे सर हो गया ये, मेरी बात समझो, ऐसे कैसे हो गया। देखो यहाँ पे हम कुछ बात लिख रहे हैं, आप इसको पहले नोट डाउन करो। होता क्या है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल सेल द इक्विवेलेंट ईएमएफ इन सर्किट इज इक्वल टू ईएमएफ ड्यू टू अ सिंगल सेल। अब सर है कैसे हो गया ये, हाउ हाउ? देखो याद रखना, ये आप जो इक्विवेलेंट ले रहे हो ये आपके किसके लिए है? ये आपके आइडेंटिकल सेल के लिए, याद रखना, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये आइडेंटिकल सेल के लिए। अगर सेल डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की अगर ईएमएफ होगी, सेल की अगर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की अगर ईएमएफ होगी तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप उसके लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या? देखो यहाँ समझते हैं, आपने कहा कि सर मान लो अगर आपके पास अगर टू अगर आइडेंटिकल सेल है ना, आपने कहा कि लेट टू आइडेंटिकल सेल, सपोज करो, समझाने के लिए आपको केवल बता रहे हैं, आइडेंटिकल सेल और उसकी जो वैल्यू है वो मान लो, हमने कहा सर E1 इज इक्वल टू मान लो 2 ओम है और E2 इज इक्वल टू भी कितना होगा? 2 ओम होगा। अच्छा तो आपको पता है कि अब मान लो आपने कहा कि सर ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? ये आपस में पैरेलल है। तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन याद है, आप क्या लगाते थे? आप ये कहते थे ना कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, बोलो ये तो लगाते थे। तो आपने कहा सर ठीक है वैल्यू रख देते हैं, E1 देखो कितना है 2 इंटू R2 कितना है 1 प्लस E2 कितना है 2 इंटू R1 कितना है 1 अपॉन भाई R1 1 और R2 कितना लेते हैं, ये भी हम 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, ये मान लो ले लेते हैं ऐसा, क्योंकि सर हमारे आइडेंटिकल है, ईएमएफ सेम है सबकी, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा। अच्छा हमने कहा ऐसा है तो 1 प्लस 1 तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 2 कितना आ गया 4 अपॉन 2 दैट इज 2 समझ गए।
तो आपने जितना ई वन माना था, जितना आपने ई टू माना था, मान लो आपके पास अगर तीन आइडेंटिकल सेल होता तो उसकी हमारी वैल्यू कितनी आती, दो ही आती, समझ गए ना। तो आप ये कह सकते हो क्या कि जब भी कभी अगर आपका आइडेंटिकल सेल दिया गया हो और वो आइडेंटिकल सेल आपको अगर क्वेश्चन में ये बोल रहे बच्चे कि सेल अगर हमारी आइडेंटिकल है और वो सारे सेल को पैरेलली कनेक्ट किया गया है, तो आप तुरंत वहां पर जो आप जो इक्विवेलेंट सेल लोगे वो क्या ले लोगे, किसी भी एक सेल की आप वैल्यू ले लोगे। मतलब अगर सेल अगर की वैल्यू ईएमएफ की वैल्यू सेम है तब। इसलिए हम आपको भी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन नहीं बताए हैं। अब यहां से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन को बड़े ही आराम से करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो तो रख लो, ये बात आपको समझ आई, यानी कि ये इतना देखो, इतना इतनी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए आपको इतनी चीजें ये बतानी पड़ी है ना। तो आपने कहा सर ईएमएफ हमारा जो हमारे इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो कितना होगा हमारा, वो किसी भी एक आइडेंटिकल सेल के ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ फर्दर हम फॉर्मूला जानते हैं क्या कि आई इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, टोटल टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। देखो तो टोटल ईएमएफ, देखो टोटल ईएमएफ की देखो वैल्यू कितनी दी गई है, आपने कितना, आपने टोटल ईएमएफ कितना निकाला, ई निकाला अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, देखो कितना होगा। तो आपने कहा सर मेरे पास टोटल जो आर आया था, आर इक्विवेलेंट आया था, वो कितना आया था, आर अपॉन एन प्लस आपका एक बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी तो लगा है। आप इसको ऐड करोगे तो इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आर प्लस एन आर अपॉन एन, ये एन कहाँ चला जाएगा, सबसे टॉप पर, तो कितना आ जाएगा। सो फाइनली आपको आई इज इक्वल टू क्या मिला, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। आपके जो बुक में, आपके जो पीडीएफ में फ्रंट पे जो आपका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो यही तो है। समझ में आया ये कहाँ से आया, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान रखना आप कि अगर आइडेंटिकल अगर सेल बोल रहा है तो उस केस में आप जो ईएमएफ जो लोगे वो आप ई के इक्वल लोगे, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब एक बात और समझो, अब हम करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो क्या होगा कभी कभी आपके क्वेश्चन में, मान लो बहुत सारे सेल कह देगा कि आपस में, मेरी बात पहले कहानी थोड़ी सी समझो, कहानी समझो, कहानी का क्या क्या प्लॉट क्या है समझो, कह देगा कि आपके पास इतने 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 ऐसे ए सेम अमाउंट के जो ईएमएफ वाले सेल हैं, चार ईएमएफ है, पांच ईएमएफ वाले सेल हैं, और उनका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस में भी मान लो ना दे, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो ना दे ना, तो आपको कहेगा कि चलो उस सेल की जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। तो आपको पता है कि सेल की इंटरनल सभी की क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते थे, है ना, एक आर इज इक्वल, आप ये जानते थे क्या, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, बोलो ये पता है ना। आपने अगर वीडियो देखा है स्टार्टिंग से तो आपको ये पता है, स्टार्टिंग से कहने का मतलब इसके पहले वाले वीडियो को आपने देखा तो आपको ये पता होगा। आप ये कहते थे कि R इज इक्वल टू ई माइनस बी अपॉन बी इंटू आर, है ना। तो याद रखना यहां पर ये जो आप R लोगे वो आप R कौन सा R लोगे, ये तो देखो ये बेसिकली हमारा कब है, ये हमारा किस केस में है, जब हमारे पास क्या हो, अ सेल इज कनेक्टेड टू अ सिंगल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। मान लो आपने कहा कि नहीं सर मेरे पास मान लो बहुत सारे अमाउंट में जो है वो रेजिस्टेंस भी दिए गए थे, बहुत सारे रेजिस्टेंस भी हमारे उस सेल से क्या थे, कनेक्टेड थे, और बहुत सारा ईएमएफ भी था। तो अब यहाँ पे आप इस ईएमएफ की जगह क्या रखोगे, जो भी पर्टिकुलर, भाई ईएमएफ तो आपका ई इक्विवेलेंट, तो भाई आपका आएगा ई इक्विवेलेंट ही आएगा, ठीक है। यानी कि अब देखो, अब ये जो आर होगा, इस आर का आप ये वाला आर भी क्या लोगे, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लोगे ना, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोगे ना। तो अब मान लो कि आप इसको मान लोगे आर डैश इज इक्वल टू ईएमएफ की जगह आप ईएमएफ ही रखोगे, वी की जगह आप वी ही रखोगे, अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो नहीं दिया होगा तो हम निकालेंगे, जैसा भी होगा अपॉन वी रखोगे, और इस आर की जगह आप क्या रखोगे, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का मतलब कि मान लो जैसे सेल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, और मान लो कि लास्ट में कहीं ऐसे कोई सेल ऐसे कनेक्ट, कोई रजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये आर वन है, ये आर टू, इस तरीके से, तो आप इन सभी का क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालोगे, क्लियर है। स्टार्ट किया जाए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाना, चलो देखो देखते हैं। देखो जी ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके काफ़ी सारे ये आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेगा। बस सिंपल सी बात याद रखनी, जिस जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना अभी, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो डिस्कस किया, ये सारा का सारा उसी की बेस्ड पर है। देखो समझते हैं क्वेश्चन को, देखो कह रहा है कि टू आइडेंटिकल सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट ईच, ठीक है, दो आपके पास सेल है और उन सभी की यानी कि आइडेंटिकल सेल है, दैट इज ठीक है, 1.5 दे दिया गया सभी का। कह रहा है कि ज्वाइंट इन पैरेलल
प्रोवाइड टू एन एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। अच्छा या एक बात याद रखना कि अभी जो भी आपने फॉर्मूला अभी आपने देखा था, उस फॉर्मूले को आप अभी अपनी कॉपी में कहीं भी साइड पर आपने लिख लिया है ना, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको क्या करना है कि आप अपने साथ साथ एक फॉर्मूले की कॉपी भी साथ में रखते चलो, कि जो भी आपको उसमें एक्स्ट्रा, जो भी आपको उसमें एक नया, या फिर जो भी आपको उसमें एक नया सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि हाँ सर ये ऐसे बता दिया, ये सर ने ये ऐसे कर दिया, या फिर ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, ये ऐसे लगाते हैं क्वेश्चन, तो आप उन चीज़ों को भी उस कॉपी में आप क्या करोगे, मेंशन करोगे। यही बच्चे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का, ठीक है ना। चलो तो कह रहा है कि दो मेरे पास भाई आइडेंटिकल सेल हैं, वो सेल कैसे हैं, आपस में पैरेलली ज्वाइन है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले दो सेल बनाते हैं। देखो इसका फिगर नहीं दी मैंने, फिगर आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो आपने कहा सर बनाओ या मत बनाओ, अगर आपके पास अगर इतनी कैपेसिटी है तो आप बिना बनाए कर सकते हो। चलो भाई हम बना लेते हैं, ठीक है, हम साधारण से इंसान हैं, ठीक, ओके, बट थिंकिंग अच्छी है तो आप और बड़े इंसान बन सकते हो। चलो देखो फिलहाल इससे बात की बात है, ज्वाइन इन पैरेलल प्रोवाइड एन एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 17 ओम, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है कि 1.5 वोल्ट की तो है, यानी कि इसका जो ईएमएफ है वो कितना दे दिया गया, 1.5, इसका भी कितना दे दिया गया, 1.5। अब क्या होगा, इसके साथ कोई एक रेजिस्टेंस भी तो होगा, समझ रहे हो, है ना। अब फिर क्या है कि ये किसी कंसिस्टिंग ऑफ टू रेजिस्टेंस, अच्छा अब इसके साथ दो रेजिस्टेंस भी ऐड है, तो ठीक है हम इनके साथ दो रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, इनके साथ हम दो रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ठीक ऐसे। तो अब ये रेजिस्टेंस को भाई कैसे ऐड किया जाए, कह रहा है कि टू रेजिस्टेंस ऑफ 17 ओम ईच, यानी कि जो दो रेजिस्टेंस हैं सर्किट में जो ऐड किए गए हैं वो 17 ओम के हैं, ईच ज्वाइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो अब ये हमारे जो रेजिस्टेंस है वो भी पैरेलल है, तो पैरेलल कैसे करते हैं भाई, ऐसे करते हैं, ठीक है, ये आपके पैरेलली कनेक्टेड है। अच्छा करंट ऐसे फ्लो होगी, यूं इस तरह से पड़ेगी, ठीक है। अब देखो बोल क्या रहा है, कह रहा है कि अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड्स द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल टू बी 1.4। अच्छा ये आपका टर्मिनल वोल्टेज दे दिया, आपका वी दे दिया। देखो सिंपल सी बात है यार, आपने कहा सर गिवन, क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ये आपका कितना दिया है, ई इज इक्वल टू दे दिया 1.5 ओम, सॉरी 1.5 वोल्ट, दोनों की नहीं होगी। फिर कह रहा है कि ये टर्मिनल वोल्टेज दैट इज वी इज इक्वल टू दे दिया, कितना दे दिया 1.4, यानी कि जो वोल्ट मीटर इसमें जो लगा हुआ है, कहीं आप यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा लेना, ठीक है, इस वोल्ट मीटर में जो जो वोल्टेज जो ये रीड कर रहा है वो कितना रीड कर रहा है, 1.4 वोल्ट की जो वोल्टेज है ये रीड कर रहा है, ठीक है ना। और जो आपका जो कैपिटल आर वन है वो मान लो कितना है, 17 ओम है, और जो आर टू है कैपिटल वो भी कितना है, 17 ओम है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखो आपको ये निकालना है, मान लो कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी R है, ये दोनों का सेम ही होगा, R है, समझ रहे हो। तो आपको ये नहीं, सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपसे कहा कि अगर R है तो सिंपल आप पहले क्या करो, देखो हमें पहले क्या निकालना होगा, हमें पहले तो इस वाले रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, फिर हमें इस वाले रेजिस्टेंस को आपस में सॉल्व करना होगा, समझ रहे हो। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि R इज इक्वल टू क्या होता है, EMF माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ये हम मैंने आपको कब बताया था कि जब आपके पास केवल कोई एक सेल हो और एक रेजिस्टेंस आपका, एक एक्सटर्नल कोई रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ, बट यहाँ पे तो दो सेल है और दो आपके क्या है, दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से पहले R इक्विवेलेंट निकालोगे और आप यहाँ से R इसका भी आप इक्विवेलेंट निकालोगे, समझ रहे हो, समझ लो मेरी बात। आपने कहा कि सर हम पहले इन वाले दोनों को हम रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं, आपका कितना है, ये आपका 17 है और ये भी आपका कितना है, 17 ओम है। तो आपने कहा सिंस कि आपके जो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, आपके आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, तो पैरेलल का मान लो कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो मान लो आर डैस आया, कितना है बच्चे, आर डैस, आर डैस इक्वल टू कितना करोगे आप, 1/17 प्लस 1/17, कितना आ जाएगा, 2/17। सो आर डैस इक्वल टू कितना आ जाएगा, उसको डिवाइड कर लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज 17/2, तो कितना आ जाएगा, 2.8, ठीक है। तो आर डैस इक्वल टू कितना, इन दोनों का जो है, इन दोनों को हटा करके आप क्या कर लोगे, 8.5 ओम की आप एक रेजिस्टेंस लगा दोगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा जी अब देखो, अब अगर आप इस रेजिस्टेंस का है ना, इस रेजिस्टेंस का, इन दोनों के रेजिस्टेंस का अगर आप इक्विवेलेंट, अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहो तो आप कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 2/R, ठीक है। सो फाइनली यहां से आपको आर इक्विवेलेंट पता चला कितना,
आर अपॉन टू, ये पता चला ना आर इक्विवेलेंट आपको क्या पता चला, आर अपॉन टू पता चला। आर इक्विवेलेंट कह लो या आर डैश कह लो, आपकी मर्जी जो भी कह लो आप, ठीक है। अच्छा इसको मान लेते हैं कि हमारा ये आर डैश अप्लाई करना चाहें, तो फिर हम अब इस आर की जगह क्या रखेंगे। देखो मैंने आपसे कहा कि ये हमारा फॉर्मूला है सिंगल सेल के लिए, किसके लिए ध्यान समझना, सिंगल सेल के लिए। आपने कहा सर मेरे पास अब सिंगल सेल तो है नहीं, मेरे पास दो दो सेल है, तो हम आर तो नहीं रखेंगे, अब हम क्या रखेंगे, आर इक्विवेलेंट रखेंगे या आर डैश रखेंगे। तो आपने कहा सर सो आर डैश इज इक्वल टू, देखो ये मैं अब देखो मैंने आपसे बताया था कि भाई ये आपका जो जो सेल है वो आपके सारे कैसे कनेक्टेड, आपके पैरेलली कनेक्टेड है, तो पैरेलली कनेक्टेड है तो आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो पर्टिकुलर किसी एक सेल की वैल्यू होगी। तो आपने कहा सर ईएमएफ हमारा वही होगा माइनस टर्मिनल वोल्टेज भी दिया है, ठीक है, अपॉन क्या करोगे वी, फिर इनटू क्या करोगे आर क्या डैश, समझ गए कौन सा वाला, ये वाला। क्योंकि देखो आपने कहा कि हमारे सिंगल सेल के लिए है, सिंगल सेल एंड वन आर, भाई वन आर है तो हम ये लगा देंगे, लेकिन अगर मान लो दो आर हो तो वो दो आर डिपेंड करेगा कि वो आपका आर कैसे है, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो अगर सीरीज में है तो आप उसको सीरीज में ऐड करोगे, अगर पैरेलल ही है तो मैं देखो पैरेलल आपको ऐड करके बताया है, समझ में आ गई बात, रख दो वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा सर आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो आर डैश आपने आर डैश की अभी वैल्यू आपने निकाली कितनी, आर अपॉन टू, आर अपॉन टू इज इक्वल टू ईएमएफ की वैल्यू देखो कितनी है 1.5 माइनस वी कितना है 1.4 अपॉन वी कितना है 1.4 इनटू आर डैश कितना है, आर डैश है 8.5। सॉल्व कर लिया जाए तो इसको फिलहाल रहेंगे तो अभी छोड़ दो, आर अपॉन टू 1.5 माइनस 1.4 दैट इज कितना आ जाएगा 0.1 अपॉन 1.4 इनटू 8.5। देखो ऊपर नीचे क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना आर अपॉन टू, आर अपॉन टू ऐसे ही छोड़ दो 1 अपॉन 1.14 है ना, ऊपर नीचे हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना ही तो होगा। अच्छा अब देखो इंटू 8.5 ये भी हो जाएगा, इसको कट कर सकते हैं 2 1 जा 2 7 जा, तो 7 का इधर मल्टीप्लाई हो गया दैट इज कितना हो गया 7R इज इक्वल टू 8.5, सो R इज इक्वल टू 8.5 अपॉन 7। आप इसको कितनी बार मिलेगा, लगभग 1.71 जा कितना बचेगा 2 15 ना 7 2 जा, ठीक है, लगभग 1.222 ओम ऐसे ही आपका आता चलेगा, ठीक है। तो कितना हो गया R इज इक्वल टू फाइनली आपको कितना मिलेगा 1.2 ओम। तो बता दो आपने क्या कहा था, ये कह रहा है कि कैलकुलेटेड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल, हेंस कहानी लिख दो जो भी आप लिखते हो, हेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज इक्वल टू 1.2 ओ। समझ में आएगी ये बात, आपको समझ में आई, ध्यान से समझो एक बार फिर से आप देख लो क्या क्या कहाँ कहाँ क्या, जहाँ पर आपको डाउट लग रहा है उस चीज़ को पहले आप क्लियर करो कि सर मेरे को यहाँ पर डाउट है, तो इस चीज़ को आप कैसे कर पा रहे हो, तो आप वहाँ पर फिर से वीडियो को बैकवर्ड करके जा करके देखो, ठीक है। चलो अगर आपने ये समझ लिया तो आप मेरे को ये करके आप दिखाओगे, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर है ना, है जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप अपना नंबर डाल देना। कह रहा है कि 4 आइडेंटिकल सेल ऑफ ईच ईएमएफ 2 वोल्ट आर ज्वाइंट इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल ज्वाइंट है, और कह रहा है कि प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ करंट टू एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, जिससे एक्सटर्नल सर्किट को क्या क्या मिल रही है, करंट मिल रही है, ठीक है। देखो हाँ ये बात बताना भूल गए कि हम जो ये जो सर्किट का हम जो कॉम्बिनेशन करते हैं ना आइडेंटिकल, वो हम बेसिकली मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि हमें मैक्सिमम करंट कितना मिल सके, किस तरीके से हम अपने सर्किट को कंबाइन करें पैरेलल में सीरीज में, ये होता है सिस्टम। चलो आगे इसको समझेंगे हम फिलहाल, तो क्वेश्चन आप करके दिखाओ मेरे को, ट्राई करो एक बार, इसका आप फिगर चाहो तो बना सकते हो, फिगर बनाओ और देखो हम बना रहे हैं, पहले फिगर मैच करो, बना लिया फिगर आपने, चलो अपना अपना फिगर मैच करो, देखो आप हम नहीं बताएंगे पहले आप इसको ट्राई करोगे। तो सबसे पहले तो हम फिगर बना लेंगे, कह रहा है कि 4 आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो 4 आप सेल बना लो, इसका एक कॉमन पॉइंट होगा क्योंकि ये पैरेलल आपस में कनेक्टेड है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर क्रम, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, अब क्या कह रहा है कि इसके साथ कंसिस्टिंग ऑफ 2 15 ओम, अच्छा 2 15 ओम के रजिस्टर है, 15 ओम का एक रजिस्टर ले लो और आपस में ये कैसे कनेक्टेड है, रजिस्टर ज्वाइंट इन पैरेलल, अच्छा पैरेलली कनेक्टेड है, तो ये आपने अपना फिगर ऐसा कुछ बनाया है, नहीं बनाया तो फिर आपका फिर गलत है कुछ, फिर नहीं कर पाओगे। चलो बना लो अब ट्राई करो, अब शायद कुछ आपको आसान लगे, यहां से मान लो आई करंट गई,
कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। मान लो यहाँ पे ई होगा आर होगा, ई होगा आर होगा, ई होगा आर होगा, ई होगा आर होगा। चलो निकालो, कर लिया ट्राई, कर लिया, कितना आया आपका आंसर? मैच करो, आर इजिकल आपका कितना आ रहा है? 7.5 ओम आ रहा है, आ रहा है, देन अच्छी बात है, आप कर ले रहे हो। नहीं आ रहा है यानी कि आपको और अच्छे की ज़रूरत है, आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखो कहाँ गलती करो आप ध्यान से समझना, अगर आप कहीं गलती करो बच्चे ना तो ध्यान से समझना बच्चे कि आप कहाँ गलती कर दे रहे हो, आप क्या चीज़ समझ में नहीं पा रहे हो। देखो आपने कहा सर सेल हमारा क्या है आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लें। हमने कहा सिंस सेल आर क्या है इक्वली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इनका जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, वो आपका मान लो ईएमएफ दिया है, कह रहा है कि ईच ऑफ ईएमएफ 2 ओम है ना, 2 वोल्ट सॉरी, तो 2 वोल्ट हो जाएगा इसका ईएमएफ। फिर कह रहा है कि पैरेलल प्रोवाइडिंग करंट टू एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 15 ओम रेजिस्टर जॉइंट इन पैरेलल। अच्छा जो आ देखो आर वन इज इक्वल टू 15 ओम इज इक्वल टू आर टू, ये आर वन आर टू ये आपके दे दिए गए हैं। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल यानी कि वी दे दिया गया, कितना दे दिया गया 1.6 वोल्ट दे दिया गया। कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है यानी कि आपको आर निकालना। सिंपल यार, देखो कहाँ गलती करो आप बच्चे, ये ध्यान से समझना कहाँ आप गलती कर दे रहे हो। देखो आपने कहा सिंपल सर हम पहले इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज आपने कहा सर 1/R, क्यों? क्योंकि आपकी ये आपके पैरेलली कनेक्टेड है, तो 1/15 + 1/15 = 2/15, so R ये रूल होता है, ठीक है, कितना आ जाएगा 7.5 ओम। ये आपने आर डैश निकाल लिया, ओके ना, आपने आर डैश निकाल लिया, अब आप क्या निकालो, अब आप 1/R निकालो स्मॉल r, कितने हैं टोटल, 4 हैं, 1/R + 1/R + 1/R + 1/R इज इक्वल टू कितना जाएगा 4/R, सो फाइनली आपको जो आर डैश मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चे, R/4 मिल गया। नाउ आप फॉर्मूला जानते हो क्या, एज वी नो क्या जानते हैं भाई, जानते हो सर बहुत कुछ है, क्या जानते हैं, R इज इक्वल टू EMF माइनस V/V × R, ये हमारा फॉर्मूला है किसके लिए, सिंगल सेल के लिए है। बट आपके पास तो सिंगल सेल नहीं है, आपके पास तो बहुत सारे सेल हैं, है ना, आपको तो एक टॉर्च जलाना है, तो आप क्या करोगे, टॉर्च जलाने के लिए हम ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं करेंगे, करेंगे यही बट इसमें थोड़ा सा सिस्टम चेंज, हम कहेंगे आप सर आर डैश हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं R dash इक्वल टू क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला E-V/V, अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम भी आर डैश ले लेंगे, क्लियर, रख दिया जाए वैल्यू, बस आपको बस वैल्यू। अब देखो कहाँ, यहाँ से आप पहले देखो आप जहाँ गलती करो पहले आप उस चीज़ को अपने इम्प्रूव करना कि हाँ सर मेरे से यहाँ पर गलती हो गई थी, अब अगली बार से ऐसा नहीं होगा। सो फाइनली आर आपको कितना मिलेगा बच्चे, आर डैश, देखो आर डैश की वैल्यू आपने कितनी रखी, R/4 = EMF कितना है 2 - 1.6/1.6 × R dash की वैल्यू कितनी आई है, R dash की वैल्यू आई है 7.5, ठीक है, तो R/4 इसको फिलहाल यहीं पर छोड़ो, इसको सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा 0.4/1.6 × 7.5, ओके। अब ऊपर नीचे क्या करो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो R/4 = कितना जाएगा 4/16 × 7.5, 4 × 1 = 4, 4 + कितना हो गया, ये 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया, सो फाइनली R = कितना बचा 7.5 ओम। हेंस रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज इक्वल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज इक्वल टू 7.5 ओम, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो आप अगर कहीं गलती करो बच्चे तो आप उसको देखो, उस चीज को, उस जगह को थोड़ा सा सोचो कि सर हम यहाँ पर गलती क्यों कर दे रहे हैं, अगली बार से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलो ये क्वेश्चन हो गया, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सर ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20 वोल्ट बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड टू 3 कॉइल्स, है ना, 3 आपके कॉइल से कनेक्टेड है, जैसे उस कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो दे दी गई है इतनी 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 है इन पैरेलल, है ना, अ रेजिस्टर ऑफ 5 ओम एंड रिवर्स बैटरी। अब देखो एक दूसरी बैटरी है कितनी 8 वोल्ट की और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है, रिवर्स में आपस में कैसे रिवर्स में कनेक्टेड है इन फिगर, अच्छा इसका फिगर दे दिया, ठीक है, तो फिगर दे दिया तो हम पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर जो गिवन है, फिगर इसका आपका गिवन है, तो देखो कुछ ऐसा फिगर है कि यहाँ पर यहाँ पर आपके पास ये बैटरी है, बैटरी कई सारे सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, और इस बैटरी का यहाँ पे क्या दिया गया है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया गया है और इससे एक बैटरी कनेक्टेड है,
तो ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पर इसका माइनस टर्मिनल है, ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, इस तरीके से ये बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है ना। सेल का सिंबल केवल एक होता है, बैटरी का सिंबल कई सारे हम सेल को बना करके बैटरी बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल इतनी बात ही, आपको इतने दिमाग नहीं लगाना है। फिर कह रहा है कि अब मेरे पास बेसिकली तीन रजिस्टर हैं जो कि कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, ऐसे ही आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अब फिर यहाँ से फर्दर ये मूव हुआ, और फिर यहाँ पर एक इंटरनल डिस्टेंस है किसी सेल का, और यहाँ से एक सेल कनेक्टेड है। अब देखो, अब ये जो सेल कनेक्टेड है क्या के रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो स्टार्टिंग यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस से ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी स्टार्टिंग माइनस से होगा, फिर ये बड़ा बना दे रहे हैं, ये आपका फिर माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा, और देन ये आपका प्लस होगा, है ना, इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक और रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पर, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5 ओम है, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू लिख लेते हैं। ये आपके 8 वोल्ट की बैटरी है, और 2 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि ये गिवन है फिगर में। अच्छा से इसको बॉक्स में बंद कर दिया, मैंने आपको बताया कि बॉक्स में बंद ऐसे रखते हैं। यहाँ पर भी आपका ये सेल है, तो सेल को आप इसको इस तरीके से बॉक्स में बंद रखो। ये आपकी 1 ओम की रेजिस्टेंस है, और ये आपका 20 वोल्ट का, ये आपका यहाँ पे ईएमएफ का एक बैटरी लगा हुआ है। एंड फिर ये आपका जो है, ये आपका 4 ओम है, ये गिवन है, और ये 6 ओम है, ठीक है, और ये आपका 12 ओम है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। ओके, कह रहा है, क्या कह रहे थे, फिर से कह रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर, यानी कि ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये जो चार रजिस्टर हैं, इन चारों रजिस्टर्स में आपको करंट निकालना है। एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसमें कितनी अमाउंट की जो वोल्टेज है वो फ्लो होगी, इसमें कितनी अमाउंट की जो वोल्टेज है वो फ्लो होगी, टर्मिनल पोटेंशियल निकालना। देखो वो तो एक बैटरी है, बैटरी का तो ईएमएफ अलग होता है, मैंने आपको बताया था, ये सब सारे पहले वाले वीडियो की बातें हैं ना, फर्स्ट वाले वीडियो, ये सब की बातें। देखो तो ना, हम बात करते हैं कि हम इसका सर जो करंट है वो कैसे निकाला जाए, मेरी बात समझो, करंट कैसे निकाला जाए। तो सिंपल यार, देखो आप करंट का फिर सेम वही आप फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, आई इज इक्वल टू, मैं आपसे फिर से वही कहूंगा, आई इज इक्वल टू क्या, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जिसको आप कहते थे ई अपॉन आर प्लस आर कहते थे। वो आप किसके लिए लेते थे, आप ये केवल सिंगल सेल के लिए लेते थे, बट यहाँ पर तो सिंगल सेल नहीं, यहाँ पर तो दो दो सेल है। इसका मतलब है कि आपको टोटल ईएमएफ निकालना पड़ेगा। चलो हम फाइंड आउट करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं टोटल ईएमएफ। तो बताओ टोटल ईएमएफ में देखो कितना हो जाएगा, कितने बच्चे टोटल ईएमएफ निकाल लोगे। देखो टोटल ईएमएफ के बच्चे अगर आप बात करो, तो यहाँ पर जो आपका सेल है वो रिवर्स्ड में है, मतलब कि ये 20 और ये 8 है, और ये देखो कैसे रिवर्स्ड में है, तो रिवर्स में मतलब हम इसको, आप इसको क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, दैट इज 20 माइनस 18, कितना आ जाएगा, सॉरी 8 है ना, 8 है, सॉरी सॉरी 8 वोल्ट, दैट इज कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 12 वोल्ट, कितना आ गया 12 वोल्ट। अच्छा ठीक है, ओके, नाउ हमें निकालना है क्या, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस देखो, हम पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें, मतलब कि इन दोनों का हम पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें, देन हम फिर इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम पहले बात करते हैं इस वाले रेजिस्टेंस की, बात करते हैं, बात समझना। हमने कहा सर कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 6 ओम एंड 8 सॉरी 12 ओम, ठीक। तो कितना हो जाएगा, देखो 4 ओम, तो क्या करोगे, 1/R' इज इक्वल टू 1/4 + 1/6 + 1/12। सो आप इनका अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 4 = 3 + 12 + 1 × 6 = 12 + 1, कितना आ जाएगा 3 + 2 + 1, दैट इज 6/12, कितना आ जाएगा 1/2। सो 1/R' इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया, तो R' इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 2 ओम। बोलो इसमें तो प्रॉब्लम आपको नहीं होती है ना, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपने R' निकाले 2 ओम। नाउ अब अगर आप चाहते हो टोटल, अगर आप डायरेक्टली अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो, है ना, तो क्या करोगे, टोटल रेजिस्टेंस, देखो
कितना आ जाएगा भाई, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, तो आपका होगा क्या आर डैश प्लस। देखो ये सेल और ये सेल आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों को भी आप सीरीज में ही है, मतलब आपने कहा सर इनको आपने हटा दिया, आपने इन पूरे की जगह एक आपने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। नाउ ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, सब आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो आर डैश प्लस वन ओम है ना प्लस टू प्लस फाइव, तो आर डैश की वैल्यू देखो कितनी है, टू, तो डैट इज टू टू फोर, और ये आपका कितना हो जाएगा, कितना हो गया भाई, कितना हो गया, कितना हो गया, एक मिनट यार, तीन दो पाँच, और ये आपका आर कितना आया है, टू आया है ना, कितना हो गया सेवन, ओहो दिमाग लगता है हैंग कर जाता है क्या। देखो फाइव टू सेवन एट, और आर डैश कितना है टू, तो कितना हो गया टेन। अच्छा कितने घंटे की वीडियो, ओह अच्छा अच्छा डेढ़ घंटा हो गया, इसी लग रहा दिमाग हैंग कर गया, कोई बात नहीं मेरा भी दिमाग ठीक ठाक है। आपको अगर ज़्यादा ये क्वेश्चन अगर बोर लगने लगे तो आप वीडियो को पॉज करके बाद में आप इसको देख लेना, बट देखना जरूर ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है। देखो टेन आ गया, टेन ओम आ गया, तो आपने आर डैश कितना निकाल लिया, आपने आर डैश निकाल लिया टेन ओम, सॉरी मतलब आपने टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाल लिया, आपने निकाल लिया टेन ओम। नाउ हम बात कर ले क्या, हम बात कर लेते हैं क्या ओवरऑल करंट की बात कर ले, तो मैं सर आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ आपने कितना माना है, कितना निकाला है 12, तो 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस देखो कितना आया है 10, तो कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ये आपने आई निकाल लिया, अब मेरी बात समझना, इतनी बातें आप पहले नोट डाउन कर लो, और इतनी चीज़ों को हम पहले डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, कर लिया आपने इतनी बातें नोट डाउन आपने कर ली। चलो देखो अब यहाँ से मेरी बात समझना, अब हम बात करते हैं करंट की ठीक है। चलो आप पहले थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओ और मेरे को आप ये बताओ, मतलब आप खुद से सोचो कि आप गलत सोच रहे हो या गलत बता रहे हो, आप पहले खुद से ये थोड़ा कॉपी पे अपने टिक लगाओ कि करंट आप कैसे फ्लो कराओगे, इस तरफ से या इस तरफ से। चलो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लगा लिया, कैसे बनाया देखो। आपने कहा सर ये मेरे पास 20 वोल्ट है, इसकी मैं 8 वोल्ट है, तो अभी ऐसी बात है ये ज़्यादा है और ये दोनों आपस में रिवर्स पे हैं, मतलब कि इसकी ओपी, ये मतलब ये हमारा ये इसकी पावर ज़्यादा है ठीक है ना। तो अगर ये ओवर पावर है तो अभी ऐसी बात है करंट जो है वो इधर से फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब देखो करंट फ्लो कैसे करता है, तो ये माइनस से इधर प्लस की तरफ से लगा, यानी कि हम कहेंगे क्या दैट इज ऐसे, आपने सही बनाया है, चेक करो आपने सही बनाया है। अब देखो अगर आपने सही बनाया है तो इसका मतलब है कि यहाँ से I नाम की करंट निकली, कौन से नाम की करंट निकली, I नाम की करंट निकली, यानी कि 1.2 एम्पियर नाम की करंट बाहर निकली। अब ये जो 1.2 एम्पियर नाम की जो करंट है, अब इसमें देखो कैसे जाएगी, मान लो कि इस वाले में I1 नाम की करंट गई, इस वाले में I2 नाम की करंट गई, और इस वाले में I3 नाम की करंट चली गई। समझ में आ रही बात, इसमें I1 I2 I3, अब बेसिकली ये आपके तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, होगा ना सेम। अच्छा तो अगर सेम है, बात समझो, अच्छा थोड़ा सा फिर और आगे बढ़ो। अब यहाँ से जब ये फाइनली जब निकलेंगे तो ये फिर से कौन सी नाम का करंट निकलेगा, फिर से ये आई नाम का करंट निकलेगा, और ये फिर से आई ऐसे ऐसे बहता चलेगा, फ्लो होता चलेगा, होता चलेगा, और फाइनली फिर ये आई नाम की करंट ये किस वाले करंट रजिस्टर में चली जाएगी, 5 ओम के रेजिस्टेंस में चली जाएगी है ना, 5 ओम वाले रजिस्टर्स में ये चली जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि आप पहला आंसर आप बता दो, कह रहे हैं ना कि फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, तो पहला आपका आंसर मिल गया कि करंट क्या, करंट इन 5 ओम, करंट इन 5 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर, ये आपका पहला आंसर मिला। नाउ हम अब बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ से ध्यान समझना। आपने कहा सर ये I1 I2 I3, मान लो कि इसमें मान लो इसका जो वोल्टेज है वो V1 है, इसकी वोल्टेज V2 है, और इसकी वोल्टेज क्या है V3 है, बट सिंस आपस में सभी क्या है सेम है, तो आपने कहा कि सिंस V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, और मान लो कि हम इस पूरे वोल्टेज को मान लो कि हम एक नया वोल्टेज V मान लेते हैं, इस पूरे का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लो हम क्या मान लेते हैं V मान लेते हैं। अच्छा और आप मेरे को ये बताओ कि V इज इक्वल टू होता क्या है, IR ठीक है, तो I आपको पता है, बट आप बताओ कि आप यहाँ से R क्या लोगे। तो अब ये बताओ इनकी जो
इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आई थी इस पूरे की, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आई थी वो कितनी आई थी? वो आई थी आपकी सॉरी कहाँ गया, ये 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम आया था ना। तो आप यहाँ से अगर ये वी, अगर आप ये निकालना चाहते हो तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर डैश करोगे तो आई, आई कितना है 1.2 इंटू आर डैश कितना आया था 2, तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 2.4 वोल्ट। यानी कि इस पूरे सर्किट में जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो कितने ओम का, वो कितने वोल्ट का फ्लो हो रहा है, 2.4 वोल्ट का जो करंट है, सॉरी जो वोल्टेज है वो फ्लो हो रहा है, चल रहा है। अच्छा भाई, अच्छा फिर आपने कहा सर अगर ऐसा है तो मान लो जैसे अगर हम इस I1 की बात करें, है ना, मतलब अगर हम इस फर्स्ट वाले की बात करें, तो आपने कहा सर जो हमारा जो V1 होगा वो किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। भाई अगर ये तीनों अगर आपस में अगर इक्वल हैं तो ये सभी एक दूसरे से कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अच्छा V इज इक्वल टू क्या लगाते हो, IR। तो मान लो आपने कहा I1 R1 इज इक्वल टू, V की वैल्यू कितनी है 2.4। I1 आपको निकालना है, R1 आपको पता है इज इक्वल टू 2.4। सो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.4 अपॉन 4, कट कर दो कितना आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू 4×6=24, दैट इज 0.6 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 एम्पियर आ गई। यानी कि आप क्या बताओगे कि करंट, क्या बताओगे, करंट फ्लो थ्रू 4 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर। ये आपका दूसरा आंसर आया। नाउ अब बात समझो, फिर आपने कहा अब हम अगर इसको ले लें, V2 को ले ले, तो V2 इज इक्वल टू क्या कहोगे, V कहोगे, और V2 इज इक्वल टू क्या लगाओगे, I2 R2 इज इक्वल टू V। V की वैल्यू कितनी है 2.4। सो I2 आपको निकालना है एंड R2 की वैल्यू आपको देखो पता है आपने कितनी मानी है, 6 इज इक्वल टू 2.4। सो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6×6=24, दैट इज 0.4 एम्पियर I2। यानी कि I2 देखो, I2 कौन से वाले रजिस्टर में जा रही है, I2 जा रही है 6 ओम के रजिस्टर में। तो आपने कहा कि करंट, अरे बात सुनिए, करंट फ्लो थ्रू दिस इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। नाउ सिमिलरली आप 12 एम्पियर वाली का भी निकाल सकते हो। आपने कहा कि V3 इज इक्वल टू V और R3 इज इक्वल टू V। सो I3 इज इक्वल टू V, V की वैल्यू देखो कितनी है 2.4 आपने निकाला है, और R3 कितना है 12, अपॉन में कर दिया जाए तो 12 2, दैट इज 0.2 एम्पियर। यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू 0.2। ये आपका सारा का सारा रजिस्टेंस, सॉरी करंट आ गया कि पर्टिकुलर कहाँ कहाँ क्या कितनी करंट जो है वो फ्लो होगी। इतनी बातें आपने कर ली है ना। नाउ अब एक यहाँ से एक पार्ट देखो आपसे और पूछ रहा है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच, ठीक है हमने निकाल लिया करंट इन ईच रजिस्टर, हमने निकाल लिया, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। ओके हमें क्या करना है, हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है ईच बैटरी, यानी कि इस बैटरी में कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस वाले बैटरी में कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा, आपको ये निकालना है। देखो इसको तो सबसे पहले हम हटा देते हैं, इन सारी चीज़ों को हटा दिया जाए, आपको समझ में आया ना अच्छे से, आप कमेंट करके बताओगे ठीक है। और देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हुआ करे, आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिनट मेंशन किया करो, यहाँ सर मेरे को इस मिनट में प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूछ लिया अब हम, अब मेरे पास इतना टाइम थोड़ा है कि हम उसको फिर से हम आगे की चीज़ें आप अपलोड करें, अपना टाइम देंगे ना, ठीक है, ऐसे करोगे तो जल्दी से हमें पता चल जाएगा, अच्छा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बता देंगे हम कमेंट करके। चलो जी देखो देखते हैं हम क्या, हमसे क्या पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। हाँ हम बात करते हैं क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पहले हम क्या क्या ले लें, पहले हम ले ये ले लें 20 वोल्ट वाला ले लें अक्रॉस 20 वोल्ट बैटरी। अब देखो तो आपने कहा सर, आपने यहां से अगर स्टार्ट किया है ठीक है, तो ये तो ठीक ठाक है, मतलब ये आपका एक नॉर्मल है, यहां से यहां तक ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, बट ठीक है इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात समझना। आपने कहा V1 इज इक्वल टू, मान लो कि इसकी जो नहीं, इसका V1 ही मानेंगे, सबका V1 तो नहीं ले सकते ना,
तो हम इसका मान लेते हैं, क्या मान लिया जाए, वी डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। देखो तो आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला, आप ये जानते हैं फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। बोलो पर्टिकुलर किसी एक सेल के लिए आप ये फॉर्मूला जानते हो ना। तो यहाँ पे मान लो कि आप इसका एक टर्मिनल वोल्टेज अगर वी डैश लेते हो, तो वी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डैश इक्वल टू हो जाएगा ई एम एफ, है ना, कौन सा वाला ई एम एफ, दैट इज 20 वोल्ट वाला, माइनस आई, आई तो आपको पता है, इंटू आर, कौन सा आर, हम ये ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये वाला वैल्यू रख देते हैं, कितना 20 माइनस आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू आई थी, आर कहाँ गया, ओके ओके, आई की वैल्यू आई थी 1.2 इंटू आर, देखो कितना है 1, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 18.8 वोल्ट। यानी कि इस बैटरी के अक्रॉस जो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 18.8 वोल्ट होगा। नाउ अगर हम बात करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 वोल्ट बैटरी, ठीक है, तो इसका मान लेते हैं वी डबल डैश मान लेते हैं, इज इक्वल टू सेम वही चीज़। अब इसके लिए हम ई एम एफ कितना रखेंगे, 8 माइनस आई कितना रखेंगे, सेम वही चीज़ 1.2 इंटू आर कितना रखेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, 10.4 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा बच्चे, है ना। जो भी है जैसा भी है आप कमेंट करके बताओगे, और देखो पढ़ाई आप अच्छे से करते रहो, आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको पता चलेगा कि आप रियलिटी में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। आप उस क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको फील होगा, अगर आप कर लोगे तो अच्छा फील होना चाहिए, और अगर आप नहीं कर पाए हो तो थोड़ा सा गिल्टी फील होना चाहिए यार। देखो गिल्टी फील होता है ना तभी आप नेक्स्ट टाइम अच्छा करोगे, ठीक है, और कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई से, तो फिर गिल्टी फील होने का कोई मतलब नहीं है। अरे हो गया सर, ठीक है, ज़्यादा लिख सकते हैं, चलो देखो ठीक है, रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो, इतना बड़ा वीडियो बन गया है, कोई बात नहीं, बट आप कोशिश करो पूरे वीडियो को एक बार में देखने की, है ना, चीज़ों को समझो, ठीक है, बहुत आसानी से ये चीज़ें समझाई गई हैं, इवन आपको ऐसा कोई भी नहीं समझाएगा, देख लेना आप, आपको ऐसे बुक में कहीं भी नहीं दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ मेरे रूल्स, मतलब मेरे रूल्स नहीं कह सकते, वो कह सकते हो कि बहुत सारे बुक्स को पढ़ने के बाद ना एक नेचुरल ज्ञान आपको मिल जाता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन की हैं, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, शायद इसमें अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है ना, हम उसको देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, उसको कवर कर लेंगे। चलो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और कुछ नहीं, हाँ, और अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ शेयर करते रहना, ठीक है, ओके, चलो पढ़ाई करते रहो आप।